अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अज़ीज़ाने ग्रामी, आज सवाल जो आपकी नशिस्त होगी, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप उठ के वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो उन सवालों को जब अब एक सवाल जो है ना मेरे वालिद साहब की तरफ से आया, वो कहने लगे कि आपने ये कहा कि मस्जिद नबी की तौहीन ये है कि वहाँ बावाज़े बुलंद जो है ना बोलते हैं, लोग नारे लगाते हैं। तो ये जब नवाज़ शरीफ साहब आए थे तो लोगों ने ना शेर आया के नारे लगाए, उस वक्त तो कोई मौलवी बोले कोई नहीं। तो मैंने कहा अगर उस वक़्त भी किसी ने कोई इस तरह की बात की है तो उसने भी गलती की है। बात अच्छी है या बुरी है, बुलंद आवाज़ करके मस्जिद नबी के अंदर बात करना गलत बात है। और साथ ये भी आपको बताते चलें, फिर वो कहने लगे कि ये मस्जिद नबी के बाहर वाक़या पेश आया। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम करार दिया है और मैं मदीने को हरम करार देता हूँ। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये भी फरमाया कि मैं मदीना को उसके दो स्याह पथरीले इलाकों के दरमियान जो है वो करार देता हूँ, वो है ईर और सौर के दरमियानी इलाका। ये ईर पहाड़ है, उस पर भी कहते हर वक्त जो है ना फरिश्ते रहते हैं। तो आपने वो पता नहीं पहाड़ देखे हैं या नहीं, मदीने जाके फिरते तो रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं मदीना है क्या चीज़। तो वो ईर और सौर, वहाँ भी गारे सौर है, अपना पहाड़ है सौर का। तो वो ईर और सौर के दरमियान में नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ की 1370 नंबर हदीस भी है और 1870 जो है बुखारी शरीफ में। ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रकबा बनता है, मुरबा किलोमीटर जो है ना, ये है सारा मदीना। तो इसको मदीने की हदूद को भी आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इंसान तो एक तरफ रहे, परिंदों और इन जानवरों को मारना और दरख्त काटने ये सारे मना है, क्योंकि ये खसूसियत हरम की भी है और नबी अलैहिस्सलाम ने चूँकि इसको भी हरम करार दिया, इसलिए इसकी पामाली करना या इसकी तौहीन का तो हम उससे ज़रूर अजाब का मज़ा चखाएंगे। ये सूरह हज में जाके आप 25 नंबर आयत जो है ये इसमें देखें। तो इसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा है कि जिसने, उन्होंने तो इसकी तफसीर में ये लिखा है के पुख्ता इरादे के साथ प्रोग्राम बनाकर बुराई का इरादा करना, ठीक है ना, जुल्म का इरादा। और उनके शगिर्द जो हैं वो तो सिर्फ कहते हैं मामूली सी भी बुराई का इरादा करना जो है वो आदमी को बर्बाद करके देता है। इसलिए जिन लोगों ने ये फिर बाद में इस तरह की वजाहतें पेश करते हैं उनको अल्लाह से डर जाना चाहिए। आपसे गलती हो जाए ना तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप माफ़ी मांग लें, अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे। आप उल्टे आगे से उसकी बहसें शुरू कर दें, पता नहीं अल्लाह को और कितना गुस्सा दिलाते हैं, फिर अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात होती। पहले तो अल्लाह ताला कहते हैं ना रुक जाओ, फिर नहीं अल्लाह ताला उस बात को छोड़ते। तो ये किसी की तारीफ हो तहीन हो, आप मदीने में आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो यजीद ने जो कुछ किया है आप देख लें, वहाँ पर अल्लाह ने उसको गुला दिया वहाँ, और उसके बाद उसने मदीने वालों का जो हशर किया था, तो उसके बाद फिर क्या उसके साथ हशर हुआ है मदीना। यहाँ जब ये इनसे कहें कि अल्लाह हमें मदीने बुला ले तो मदीने की दुआएं करते हैं कि जाके कहते नहीं अंदर मस्जिद नबी बुला ले, इस तरह ना करें। अपने मन मर्जी से दीन को मोम की नाक नहीं बनाना चाहिए हमें कि हम दीन को जैसे चाहें अपनी तरफ फेर लें। जो भी गलत काम करता है वो नवाज शरीफ के जियाले उसकी मोहब्बत में करें या पीटीआई के बदमाश नफरत में करें। यहाँ से जाके प्लान किया है, चाचे ने भतीजे को मामे ने भेजा है, मामा भांजा दोनों देखें, आप इंशाल्लाह इधर ही देखेंगे इसके साथ क्या असर होता है। और मैं आपको ये पेशीन गोइयाँ मेरी नोट किया करें, ये अल्लाह ताला छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। और उसने भी मजम्मत नहीं की तो अब अल्लाह उसकी मुरम्मत करेगा, आप देखना इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस ज़मीन पर ही जो लोग दीन को मजाक बना लेते हैं और अपने लिए दीन को जिस तरह चाहें मोड़ना शुरू कर दें और इस्तेमाल अपने मज़मूम मकासद के लिए, और पता भी होता है कि ये बात का मैं गलत माना लोगों को पेश कर रहा हूँ, अल्लाह नहीं छोड़ते। ये चाहे कैसा ही आदमी क्यों ना, यहाँ तौहीन
या किसी की तारीफ करना मस्जिद नबी में तो बावाज़े बुलंद आप कुरान मजीद ही पढ़ सकते। हर आदमी अपनी मर्जी के साथ वहाँ इबादत के अंदर मसरूफ़ है, जिक्र अल्लाह का नहीं कर सकते। वहाँ पर भी जो अजानें होती हैं आवाज़ बुलंद के साथ, वो शरीयत ने खुद इजाज़त दी है। इमाम के रात करता है तो वो भी शरीयत ने इजाज़त दी है, वरना वहाँ पर कोई भी आदमी बावाज़े बुलंद जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप नात नहीं पढ़ सकते। तो आप यकीन जाने, मैं मस्जिद नबी में था तो एक शिया आलम जो है वो मेरे साथ बैठा था और वो खुसर पुसर तो दूसरे के साथ लगा हुआ, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वहाँ पे बैठा मैं। मेरी दो रकतें जो हैं सुबह की फजर की सुन्नत, वो पढ़नी मुश्किल होगी मुझे, और मेरी तबा जो है ना वो मेरा दिल करे। मैं आखिर मैंने तंग आकर कहा कि ये मस्जिद नबी है और आप यहाँ बातें कर रहे हैं तो आप कुछ तो ख्याल कर लें। फिर वो जनाब वो मुझसे मतलब बहस पर मादा हो गए। उसने ये मतलब ये शिया भी जो है ना ये अपने दौर की पीटीआई है, ठीक है ना, तो ये बात ये भी किसी की नहीं मानते। तो वो तो मुझसे झगड़ने पर, मैंने उनसे कहा कि मैं मस्जिद नबी में हूँ और मुझे मामूली आदमी ना समझना, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी क्या सूरत हाल है, तुम किस मज़हब से हो, तुम जो मुझसे बहस कर रहे हो ये क्या है। मैं सिर्फ दो मिनट लगाऊंगा, शोर मचा के भी कर सकता हूँ रास्ता भी, लेकिन इस वक्त हम रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के अंदर आपके जवार में बैठे हुए हैं, मुझे जेब नहीं देता। ठीक है, आखिर वो दोनों को मैंने, एक लखनऊ से आया हुआ था और एक कहाँ से, वो बड़ी मुश्किल से चुप कराया। तो ये है कि आपको चाहिए कि आप वहाँ पर जाते हैं तो मैं तो मस्जिद नबी के बाहर जूता भी जो लेके जाता हूँ वो दूर से लोग ऊपर से फेंकते हैं। ये मैं तो कभी ऐसे भी जूता नहीं फेंका, मैं तो वो भी नीचे बड़े आयिस्तगी के साथ रखता हूँ। इस मस्जिद के अंदर भी यही होना चाहिए। ये जो बाहर आप शोर करते आते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं, टेलीफोनों पर बातें करते आते हैं, ये आपको कबीरा गुनाह मिलता है कि आप यहाँ के बैठे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। कोई किसी भी मकान है जो अल्लाह की मसाजिद से किसी को जिक्र करने पर, अल्लाह ने कौन है जो अल्लाह की मसाजिद को खराब करता है। तो यहाँ अल्लाह के अलावा किसी की आवाज़ बुलंद नहीं की जा सकती। मस्जिद में ही हजूर ने फरमाया कोई आदमी ये कहे ना कोई चीज़ उसकी गुम हो गई है तो वो ऐलान करता फिरे, तो फरमाया कि भाई मेरी मस्जिद, तो कहा दुआ दें उसे कि अल्लाह तेरी चीज़ को कभी वापस ही ना लाए और गुम हो जाए तेरी चीज़। तो मस्जिद में शोर मचा रहा है भी, चीज़ तेरी बाहर गुमी है, आके तो मस्जिद के अंदर कर रहा है। इसलिए उलमा ने बाज ने कहा है कि गुमशुदा चीज़ का मस्जिद के अंदर ऐलान कराना जायज़ है कि नहीं, इस पर बहसें हुई हैं उलमा की बड़ी बड़ी। अब आपको एक मसला छेड़ लें 20 मसले उसमें से निकलते हैं। इसलिए ये मस्जिद हो या बैतुल्ला हो ये कहीं भी आपको उसका शोर करना जायज़ नहीं है। मुझे याद है मौलाना मोहम्मद हसन डक्कू साहब के पास हम बैठे थे, शिया आलमदीन हैं और बहुत मुआहद किस्म के अहले हदीस हैं और बड़े अच्छे हैं। अब तो बूढ़े हो गए, मैं भी ज़ियारत को नहीं जा सका, बड़ी देर हो गई है, इरादा तो है उनसे क्योंकि बड़े बीमार हैं। तो वो हजरत के पास हम बैठे थे तो किसी ने कहा कि हजरत वहाँ मलंग इकट्ठे हो के तो जो इमाम बार का मस्जिद ही है ना इनकी वहाँ नमाज, वहाँ वो इस तरह आवाज़ें लगाते। उन्होंने कहा वहाँ तो अल्लाह अकबर का नारा जायज़ नहीं, तो तुम या अली मदद के नारे कैसे लगा देते, यानी आप ये देखें। उन्होंने ये यहाँ तक ये बात कही, ये मुझे अभी तक याद है, ये उनके पास बैठे हुए की बात है। तो आप लोग अपनी दीन की सलाह क्यों नहीं कोशिश करते कि यार हम ऐसे दीन का काम अपने ही हलके में होता है। अगर कोई इनमें से, मैंने कहा क्या तुम में क्यों रजुलुन रशीद, क्या तुम में से कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं है पीटीआई वालों के, तुम्हारे अंदर ही वो तुम्हारी मजम्मत करे और तुम्हें राह रास्त पर ले आए कि देखे मेरे भाई जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। पर लीडर भी उनका जहन्नुम की तरफ जा रहा है और बाकी सारे भी जा रहे हैं। इन्होंने जो है ना एक काम पकड़ लिया, नाम मदीना की रियासत का लो और काम वर्जीना की रियासत अमेरिका जैसा वो करो। इन्होंने काम ही है कि दीन, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी कहे, चाहे कोई भी सुने, उनको तो हमारे ईद के खुतबे पे भी लोगों को इतराज़ है कि ये एक सियासी खुतबा है। तो सियासी नहीं तो और क्या उनसा खुतबा दूँ मैं, मुझे बताओ। तुम लोग जाहल गवार परले दर्जे के अनपढ़ हो, तुम लोगों को ये कहाँ से हक़ हासिल होगा, तुम इमाम को गाइड करो कि इमाम ये खुतबा दे। जिसको अपना नहीं पता, बेनमाज, कभी जिक्र अज़कार नहीं, कभी किताब खोल के नहीं देखी, हैं जी, वो डंगर आके मुझे समझाएगा। मैं कहता तुम ईद के क्यों पढ़ने आए थे यहाँ पे, हैं तुम्हें किसी ने, मैंने हाथ पकड़ के ले कहता कि यहाँ पर पता तो है कि यहाँ नहीं किसी की सुनी जाती सिवा अल्लाह रसूल की बात के, वही सुननी पढ़नी है।
तो ये आप देखा करें, हम मैं आपको तंबी उस बात पे ही करता हूँ जिस पे हमारा इज्तमाई शऊर, इनफरादी शऊर बहुत पस्त लेवल पर जब जा चुका हो, तो फिर मैं आपको तंबी और करता हूँ, झिड़की देता हूँ कि इसको अपने जहन नशीन करो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कोई सवाल किसी के जहन में है तो वो पूछ सकता है। जो अच्छा सवाल करता है आदमी, कोई खदशे का वाला सवाल करता है, वो सदका जारिया बन जाता है, रिकॉर्डिंग में आ जाता है, फिर वो क्यामत तक की सुबह तक जो यही होगा। ज़ईफ़ हदीस के बारे में मौक़िफ़ क्या है, ये बात दो मौक़िफ़ इसके अंदर आते हैं कि फ़ज़ाइल में सुना लें, अहकाम के अंदर आपको नहीं सुनानी चाहिए। ये बात आप अपने जहन में रख लें कि फ़ज़ाइल भी तो गैब ही हैं, अहकाम भी तो गैब के मज़ामीन हैं, अकायद भी गैब ही हैं, ये सारी चीज़ें गैब हैं। इसलिए आला हज़रत ने इसमें एक रसाला लिखा है, वो रसाला भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि उन्होंने बताया कि यहाँ से शुरू होती सही और फिर आखिर उसका मौजू है, दरमियान में हदीसें हैं। ओ अल्लाह के बंदे, बात आखिर सही की है ही नहीं, बात है सही है और उसके बाद दर्जे हैं उसके कमज़ोर के। तो आप कमज़ोर जमा कमज़ोर जमा कमज़ोर मिल के जब इज़ इक्वल टू ताकतवर, यानी दो खोते इज़ इक्वल टू है जी एक एक घोड़ा, कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, झूठ 50 दजाल मिलके भी बोलेंगे वो झूठ ही काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर आपको ज़ईफ़ से हदीस सुनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये एक मैं बड़ा अहम सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ, और इस पे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब हैं देवबंदियों को, उन्होंने भी लिखा कि अगर हमारे देवबंदियों ने भी इसमें कोई ज़ईफ़ हदीसें शामिल की हैं तो ये जायज़ नहीं है। अब वो रसाला मेरे पास नहीं है लेकिन जामतुल रशीद से आपको मिल जाएगा, मैंने मौलाना मरहूम को आज से 25 साल पहले ला के दिया था। तो वो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक ज़ईफ़ हदीस की ज़रूरत क्यों, वो जब उसकी फजीलत आई ही नहीं तो वो फजीलत आप बना क्यों रहे हैं, सही नहीं आ सकी तो आप बना क्यों रहे हैं आपको। और अगर दो तीन फजीलतें आ गई हैं तो वो सही हैं, बाकी और फजीलतें ज़ईफ़ हैं, तो वो दो तीन फजीलतें आपका क्यों नहीं पेट भर रही, क्यों नहीं आपकी तशफ़ी कर रही, क्यों नहीं आपकी प्यास बुझा रही, इसकी क्या वजह है, ये बात आपको समझना पड़ेगी ना। तो ये कोई मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस आदमी का कि वो क्यों उसकी वो तशफ़ी नहीं कर पा रही। नबी अलैहिस्सलाम का तो हजूर अलैहिस्सलाम तो अगर हयात होते तो आप ये देखते कि हजूर का तो चेहरा मुबारक ऐसा था कि जो देखता था तो गम दूर हो जाते थे, निगाह मुबारक उठ जाती तो वो उसकी तसल्ली हो जाती। हजूर पुर नूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस ये है कि आपका एक आध लफ्ज ही जो है ना आदमी के दिल को ठंड डाल देता है। लोगों की किताबों की किताबें आप पढ़ जाएं, सुलहा की, फुकहा की, मुहद्दिसीन की, सूफिया की है जी, मशायक की, बड़े बड़े सिद्दीकीन की, लेकिन वो ठंड नहीं डालती। वो मज़ा और वो बंदे का अंदर से शिकम सेरी उसकी और उसके जहन की ताजगी को भरपूर से तरीके से जवान नहीं कर सकती जो नबी अलैहिस्सलाम का एक लफ्ज़ अदा कर देता है। तो मुझे तो समझ नहीं, मुझे तो आप एक हदीस दे दें और वो हदीस दे के तो उसके बाद आप कहें जी इस एक हदीस पर आप हमें 50 जुमे पढ़ा दें, तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी तो अल हुसैन मिन्नी वना मिन अल हुसैन इतनी बात कही नबी अलैहिस्सलाम ने, तो अभी मैंने उसका 32-33वां वर्जन जा रहा है खुतबा, अभी पता नहीं कितने 50 बंदे या 100 बंदे, वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि उस आलिम के पास ही कुछ नहीं होता। वो फिर ये होता है कि वो फिर आता है और ये खतीबों को जरूर ज़्यादा पड़ती, क्योंकि अवाम चस्कोरी होती है, इस चस्कोरी अवाम के चस्के और इसके नशके और इसके शशके और इसके नशे पूरे करने के लिए ना उलमा ये ज़ईफ़ हदीसें बयान करते हैं, ताकि अवाम उन्नास खुश हो जाए कि वाह वाह हज़रत ने एक अलग ही बात की। अलग बात क्या की भाई, क्या अलग बात करके हमने, वो तो उम्मत से अलग मौक़िफ अपना रहा है। वही मौक़िफ रखें जो उम्मत के सलफ़ सालेहीन का, सुलहा का, नेक लोगों का, मुहद्दिसीन और फुकहा का है, वही आपका होना चाहिए। हम नई बात कहाँ से लेकर आ सकते, कोई नई वही उतरेगी या कोई नया रसूल आया, ये नई किताब आई है, ऐसा नहीं है। ये कुरान ऐसा है कि इसको और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अकदस ऐसी है,
आप पढ़ने में इतनी मेरे सीरतें पढ़ी हैं, अभी तक मुझे तो सेरी नहीं होती इस हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जो है वो बार बार पढ़ 20 दफ़ा मैंने सीरत नबी बार बार खोलता हूँ कंसल्टेशन के लिए, हर दफ़ा एक नई चीज़ होती है। कई हज़ार बार कुरान खोल चुका हूँ, हर दफ़ा एक नई चीज़ उसके अंदर मिलती है। ये बात नहीं है, ये आपका कमज़ोर जहन की दलालत है कि वो आदमी ज़ईफ़ हदीस के दलाइल देना शुरू कर देता है कि ज़ईफ़ भी जो है जी वो भी चल सकती। ज़ईफ़ ना अहकाम में, ना अकायद के अंदर, ना फ़ज़ाइल के अंदर, किसी में ज़ईफ़ ना काबिल कबूल है। बस हमारे लिए जब मन कज़ब अलैया आ गया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, ये बात ही शुबे में आ गई कि आया सरकार ने ये फरमाया ये नहीं फरमाया, बस चुप कर जाएं। अब डर है उस आदमी के जहन्नुम जाने का, अगर आप चुप नहीं करेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। आपको किसने कहा इतना ज़्यादा बोलने के लिए? तो आप एक आध हदीस अगर आपको किसी चीज़ की मिलती बहुत अच्छी है। अब देखें एतकाफ़ की कोई हदीस सही नहीं है और कुर्बानी की कोई हदीस सही नहीं है। जो कुर्बानी आप करते हैं ये जो बड़ी ईद के मौका पर, तो उसकी कोई हदीस सही नहीं है। एतकाफ़ के अंदर भी कोई ऐसी हदीस सही नहीं है जिसमें उसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हों, लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा। तो ये बात ही काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतकाफ नहीं छोड़ा और हजूर ने कुर्बानी नहीं छोड़ी, ये इसकी फजीलत है। यही इसकी फजीलत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतकाफ नहीं छोड़ा और हजूर ने कभी, हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। ये कम है? हजूर का किसी काम पर मुदावमत रहना, हमेशगी इख्तियार करना, यही नबी उस चीज़ की बड़ी फजीलत है, यही बड़ी फजीलत है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो हर्फ रोशन हो जाए, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो रंग मौसम का रंग हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते आलिया तो ऐसी है कि आप अलैहिस्सलाम तो बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो बच्चे के वो बाल सारी जिंदगी स्याह रहे हैं। हजूर ने जिसके मुंह पे कुल्ली कर दी उसके मुंह पे दोबारा झुरियाँ नहीं बचपन में पड़ी हैं, हैं जी। लोगों ने वो जिस सतून के ऊपर, लकड़ी के सतून के ऊपर हाथ रखा, वो लकड़ी का सतून लोगों के सामने रो रो के बेहाल हो गया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में, हैं दर फिरा के ऊ चोबे खुश ग्रीस, इकबाल ने कहा, रूमी ने कहा कि उसके फ्राक में तो पत्थर रोए हैं, उसके तेरे नबी के फ़्राक में तो दरख्त रोए हैं, मुसलमान तेरी आंख कैसी कि अपने नबी के फ़्राक में नहीं रोती, हैं जी। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी समझने के लिए हैं कि ज़ईफ़ हदीस कोई चीज़ नहीं होती। मैं तो बिल्कुल भी ज़ईफ़ हदीस को हाथ नहीं लगाता, मुझे तो शक भी पड़ जाए ना कि ये ज़ईफ़ है, दो के दरमियान में मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। मैं ऐसी हदीसों पर मैं नहीं, हदीस के मामले में बाकी उसके हदीस पर अमल करने की ना करने की वजूहात हज़ारों बातें हैं, मुस्तहब है कि नहीं मुस्तहब, मैं नहीं इस चक्कर में पड़ता। और ये दो ग्रोहों को बड़ा शौक़ होता है, एक तो खुतबा वाइज़ीन को बड़ा शौक़ होता है, उनके पास मवाद कोई नहीं होता, आवाम करनी होती फुल गर्म, आपको भी तो हीट देनी है, नीचे से जोश आता है जब आपको, आप जब उबलते हैं फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उठते हैं चल पैसे पे पैसे नात खां, वही शेर फेंकी जा रहे, हजरत को फूलों से भर दो, हजरत को फलानी शहर से तोल दो, हमें मज़ा आता है। आप कभी इस मिंबर पे आके बैठे, इसके बड़े मज़े हैं, थल्ले बैठे मैं उत्ते बैठे, इसका पता ही नशा है, हैं जी। आपको क्या पता ये क्या चीज़ होती है, उस्ताद बनना, पीर बनना, है जी मुर्शद बन जाना, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है, ये तो लोगों के दिमाग पर एक हाकमाना तरस है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते आलिया थी कि आपने मिंबर पर भी होने के बावजूद जो है लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की, ना कि लोगों के जिस्मों पर हुक्मरानी की है, ठीक है ना। तो ये एक बात है कि ये ज़ईफ़ हदीसें, मैं तो बिल्कुल नहीं इस बारे में, हाँ अगर कभी मुँह से निकल जाए कोई मुझे तंबीह भी कर दे मैं उसको फौरी अगले आज एक आध जुमे के बाद छोड़ भी देता हूँ। अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं आया, तो मैं पहले ही तहकीकन बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो अपनी जिस वक्त 1991 के अंदर मौलाना के पास आया हूँ, मैं वो छोटा सा था ऐसे 10-11 साल 12 साल मेरी एज थी, तो मुझे उन्होंने, मेरा तो मौजू ही सीरत था, मैं तकरीर के लिए उनके पास आया था और उन्होंने मुझे कहा कि जो तकरीर तुम सुनाना चाहते हो लोगों को बेटा वो फ़ज़ाइल है और वो गैब की और वो सारी ज़ईफ़ हैं,
तो मैंने कहा सही क्या? तो उन्होंने सही क्या थोड़ी सी तकरीर फरमाई और उसके बाद कहा तुम मुश्कातुल मसाबी ले लो मौलाना सादत खलील साहब की, उसके ऊपर अहकामात लगे हुए हैं कि ये ज़ईफ़ है ये सही है। लो जी उस वक़्त की मुश्कात मैंने पढ़ी हुई है, आज तक मैं अब भी जो जुमा पढ़ा रहा हूँ उस मुश्कात के सर पर पढ़ा रहा हूँ। यानी बाकी तो मैं पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे कहीं अचानक वाज भी करना पड़ जाए, वो मेरे बचपन में मेरे जहन में बैठ गई ये ज़ईफ़ है ये सही है। अब इतना मुझे मुहावरा हो गया है कि मुझे पहली दफ़ा भी हदीस पढ़ता हूँ मुझे उसका भी पता चल जाता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है कि सही है, पढ़ते ही मुझे पता चल जाता है इसके अंदर ज़ोफ़ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे एक साहिल अदीम साहब के नाम आदमी थे, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा ये आपने कहाँ से इस्तदलाल किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो उन्होंने ना सूरह काहफ़ का एक लफ्ज़ है साबाबा, वहाँ से कहा कि साबाबा से मैंने लिए एक लफ्ज़ से ना खुद ही कहते इसके। मैंने कहा वो तो सारी रवायात ज़ईफ़ हैं जो उसके अंदर बयान की गई हैं तफसीर इब्ने कसीर के अंदर, वो मुँह की तरफ देखें। और फिर उन्होंने निकाल के एक हवाला मुझे दिया, वो मौसूआ तफसीर अल मासूर, वो मेरे सामने पड़ा है। तो मैंने वो मुझे मैंने वो पहले ही पढ़ा हुआ था तो वो बेचारे ना मुझे दिखाया तो उस पर मैं चुप हो गया, मैं नहीं बोला। मैं उनसे क्योंकि मेरी पहली मुलाकात थी, दोस्त कहते भी आपने रगड़ना था उसको, रगड़ता मैं तब जब वो आगे से कोई मुजाहमत करता उसको फिर मैं रगड़ता। लेकिन मसला ये था कि मैं उस वक्त मेरी उसकी पहली मुलाकात थी, मैंने कहा ये आपका क्योंकि ये आदमी फेम का शिकार है, ये अपने मानने चाहने वालों के दरमियान कभी भी नसीहत को कबूल नहीं करेगा। तो मैंने फिर उनको नहीं कोई भी नसीहत की क्योंकि मुझे पता था कि इस बेचारा के तो नॉलेज ही बड़ा पुअर है, बातें करनी इस्लाम की वो एक अलग डिफरेंट ओपिनियन है ये कि आप एक अलग बातें कर रहे हैं इस्लाम के हक के अंदर, कि बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है, नौजवानों तुम आगे बढ़ो, मोटिवेशनल स्पीकर होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और आपका किसी आलमे दीन बाकायदा तौर पर होना वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी आदमी के साथ उसको दीन बता रहे हैं और मोटिवेशनल है और इस्लाम के हक में बहुत जोश रखते हैं और इस्लाम के हक के बड़े हामी हैं और उसे एक अंगेज तरीके के साथ जोश देकर बात कर रहे हैं और उसके दिलो दिमाग को खिलाफत और अपने आप को और इस सिस्टम को चेंज करने की बातें जब आप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलम दीन भी हैं। डॉक्टर इसरार साहब आलम दीन नहीं थे, वो खुद उन्होंने मेरे और मौलाना इस हाकिम रूम साहब के सामने कहा मैं आलम दीन नहीं मौलाना, मुझे फिक हदीस तारीख और फिक्र मुझे तीनों ही नहीं आती, मैं तो कुरान का एक मुकर्रर हूँ। खुद उन्होंने इसमें मिंबर पे बैठा हूँ, मुझे क्या जरूरत है ऐसी बात कहने की। तो वो खुद मानते थे कि मेरी तहकीक नहीं है। तो मौलाना तारिक जमील साहब आलम दीन नहीं है, वो खुद मुहक्किक नहीं तबीयत के तबन, वो एक वाइज हैं खतीब हैं, वो खुद रोते रुलाते हैं, उनके सामने भी कोई रो पड़ेगा ना जाके, वो उस दज्जाल के साथ जाके उसके यहाँ भी तकरीर कर आएंगे, उनका क्या है? वो हुज्जत नहीं हो सकते हम पे। ठीक है ना। एक आदमी सियासत के बारे में बाशऊरी नहीं है अपने इल्मे दीन के बावजूद, हम वो हम पर हुज्जत नहीं हो सकता। दीन बहुत बड़ी वसत वाले नाम है, तहकीक के साथ बात करें। ये पिछले दिनों ही हमारे ये डॉक्टर उमर साहब ने एक मुझे वो भेजा था क्लिप अपने ग्रुप का, जिसके अंदर वो कह रहा था कि नहीं जी ये ईद पर जो है सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना खजूर ही दें और बंदे के घर जाके खुद दे के आए और हर कोई उसके यहाँ ढूंढ के उसको ना कहीं दूर जाके देखे है, इसलिए जो है ना सदका फितर जो है ना पैसे नहीं ले सकते आप। उससे तो इस तरह बयान किया, मैंने इनसे कहा कि जाने दें आप मुझे एक क्लिप में ये पूरा मौजू सुनना चाहते हैं, तो कहते हैं कोई क्लिप बना के भेजें ताकि मैं लोगों को बताऊं कि नहीं ये बात ठीक नहीं। मैंने कहा मैं एक क्लिप में कैसे उसको जाने दें, जब आप लोग इस तरह के अमीर चुन लेते हैं तो फिर यही कुछ ही होना है ना सोसाइटी में। फिर मैंने इनको मेरे कुछ देर के बाद मेरे दिल में एक रहम सा आ जाता है, पहले तो मेरे होते पूरा रिएक्शन होता है कि मैं तो इसको ना ये कर क्या रहा है ये, ठीक है ना। फिर मेरे दिल में एक रहम सा आया, फिर मैंने इनको पीडीएफ अहले सुन्नत देवबंद की और इनके यहाँ से जो अहले हदीस हैं उनका मैंने भिजवाया कि उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल पूरा पढ़ें, इसके अंदर इनकी तशफ़ी हो जाएगी सारी। तो फिर वो भी माने कि हाँ, या जब लोग दीन का काम आप ना करें खुदा के लिए दीन का काम, मैं आपको मना करता हूँ, मैं आप सबको भी तंबीह करता हूँ कि आप दीन का काम ना करें, आप सिर्फ यहाँ पर आया करें, घर जाके अमल किया करें, अपने बीवी बच्चों को भी ना करें क्योंकि आपके बीवी बच्चों ने भी नहीं मानना आपसे, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज ही नहीं है। पूर नॉलेज के साथ आप जब बात करेंगे और बगैर तहकीक के आप बात करेंगे, कोई भी आपकी आप क्रास क्वेश्चनिंग के अंदर आके फंस जाएंगे बुरी तरह से, तो फिर आप कभी भी किसी के ऊपर गालिब नहीं आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अगर आपका इतना शऊर बुलंद है कि किसी चीज़ के बारे में भरपूर पढ़ रखा है,
या आपने अपने घर में मुझसे पूछ के ऐसी बुक्स रखी हुई हैं, फिर तो आप बात करें ना, आपके घर में बहस हुई है, आप किताब निकालें और उसके सामने रख दें कि भाई ये पढ़ लें। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि एक मौजू था ये ताज़िया बनाना और शबीहें बनाना, इस पर मेरी मौलाना से बहस हो रही थी, बड़ी मुद्दत तक बहस होती रही। तो एक दिन वो मैं गया तो वो फतावा रिजविया ही निकाल के ले, कहते ये लो और इसको पढ़ो, और ख़ुद मेरे पीछे खड़े रहे। मैंने बड़े तहम्मुल से उस पूरे 1.5-2 सफ़े को पढ़ा, आला हजरत ने बड़ी अच्छी उसमें बहस की थी, मैंने वो बहस को सारी को पढ़ा, बहस अच्छी थी। मैंने कहा ये बात सही है, आपकी बात ठीक है मौलाना, ये अच्छी बहस है और इसमें यही चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते बस यही तुम्हें समझाना था। एक अच्छे उस्ताद को ये होता है, कभी कभी हमें पढ़ने के लिए देना पड़ता है आर्टिकल, कभी बात, वो बहुत कम लोग होते हैं जो ईमान ले आए, उस्ताद जी की बात को सुनकर ईमान ले। किसके साथ मैं मगजमारी करूं कि जो साबका हुकूमत थी वो ठीक नहीं थी, किसके साथ मगजमारी करूं? वो जो उस शख्स को, क्या तूने देखा नहीं उस शख्स को जो अपनी ख्वाहिश को खुदा बना बैठा है? आपको दूसरा मुखालफ बंदा जरा छेड़ता है, अब फिर आप उसी जिद वाले जाविये पर जाकर खड़े हो जाते हैं। आते जाते आप उसको मुस्कुरा के तंजो तान ना करें कि वो हक पर आते आते फिर अपनी जिंदगी से वापस चला गया, फिर आप मुजरिम हो जाएंगे और आप अपना बोझ कहां उठा सकेंगे, क्या मुमकिन उसका बोझ भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये है असल चीज कि हमें ये इस तरह की जो चीजें हैं इसमें अपने नॉलेज को बड़ा हाई रखना पड़ेगा, बाकायदा उलमा से। आप देखें ना जो सही हदीस पेश करते उसी के अंदर तो आया है कि तिमरन और शाइर के या तो खजूर दो या जो या जौ दो, तो या खजूर या जौ, वो गंदम का मान ही नहीं रहे थे कि नहीं गंदम नहीं होनी चाहिए, या खजूर या जौ का क्या मतलब होगा भाई, तो फिर एक ही होना चाहिए था ना भाई। शरीयत ने उसको वसत दिया है, हर इलाके के दरमियान में जो डेली गल्ला खाया जाता है, मतलब बांग्लादेश में चावल खाए जाते हैं वहां सस्ते हैं क्योंकि वो डेली इसलिए खाते हैं कि लोग वो चीज सस्ती है वहां पर, यहाँ चावल महंगा है हम डेली भी खा सकते हैं, बैठे बैठे खजूरें खा लेते हैं, रोटी आप हैं जो रोटी 9 किस्म की रोटियां खाते हैं, उनके यहाँ कोई रोटी नहीं थी इतनी ज्यादा रोटियां। आप अपने पे क्यास कर करके ना गलत जगह पे, बाज बातें अहले अरब की आदत से रिलेट करती हैं कि जिससे पता चलता है कि ये आदत क्या थी, बाज बातें उनके जियोग्राफिकल जो सिनेरियो है उसके साथ रिलेट कर रही होती हैं कि मतलब शिया अक्सर कहते हैं कि सकीफा बनी सादा, सकीफा कहते हैं चौपाल को, तो बनो डेरा, तो वो सकीफा बनी सादा के अंदर ही हजरत अबू बकर सिद्दीक की वहाँ खिलाफत का जो सारा मामला पेश आया। तो वो एक आलम दीन थे, मुझसे बहस कर रहे थे वो, बल्कि हम उनके घर भी गए थे शैब साहब के साथ, उन्होंने फिर हमारी खूब खातर तवाज़ो बातों से की और हमें निकाल दिया घर से। तो हम तो तहम्मुल के साथ बैठे रहे, वो पहले उन्होंने मसला छेड़ा 3 घंटे के बाद, फिर मैंने तुर्की पर तुर्की 2 जवाब हजरत को नायत किए, मैंने 3 घंटे बर्दाश्त किया, वो मेरी 2 मिनट की गुफ्तगु बर्दाश्त नहीं कर, उसने खड़ा हो गया और उसने कहा भी आप चले जाएं तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं जैसे आपने फरमाया, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है, हमें याद रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे बताइए ये सकीफा बनी सादा कितनी दूर है मस्जिद नबी से, वो मुझसे लड़ पड़े जवाब ना दें। तो मैंने कहा ये तो आपकी तहकीक है कि आप खानदानी शिया हैं, 60 साल आपकी उम्र हो रही है और आप इस मसले की पूरी दुनिया में प्रचारक बने फिरते हैं कि हमारा हक छीन लिया गया, हालत आपकी है, आपको शऊर तक नहीं है कि वहां पर आप, हाँ मैंने खुद मदीने की इटलस लेके उसकी सारी जावियों को देख के समझा, मस्जिद नबी को पूरी को समझा, उसके सतूनों का जाविया निकाला कि हदे नबी मस्जिद नबी रसुल्ला के दौर में कितनी थी, इतनी थी, ये कैसे बढ़ी, ऐसे हुआ वैसे हुआ। एक आलम दीन जब किसी चीज़ पर बहस करता है वो पूरे क्राइटेरिया को सामने रख कर करता है, ऐसा नामुमकिन है कि आप जो है वो 2 किताबें पढ़ने के बाद मुंह उठाएं और बात करनी शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता है। तो बरकैफ ये बात आपके सामने रखी कि दीन को विद पूर नॉलेज के साथ आप बयान ना करें, आप मुकल्लिद रहें बस, ठीक है आप तकलीद करने वाले हैं, आपके भी मैं उनकी तकलीद करता हूँ, ठीक है। हाँ कोई दलील के साथ तकलीद करना चाहता है उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप जिच हो जाते हैं अपने बच्चों से, आप अपने बच्चों को मारते क्यों हैं जब वो आपसे बड़े बड़े सवाल करते हैं, अच्छा अल्लाह कहाँ है, फिर आप कहते हैं अल्लाह ऊपर है, ऊपर क्या कर रहा है, फिर आप मुंह की तरफ देखने लगते हैं, मैं तेरे क्या ना सो जा, माएँ फिर इधर को आ जाती हैं, फिर आंखें, फिर थप्पड़, रह जी सो जा, इसका बाप के सलाओ इसको, इनू अल्लाह का दस्सा में पता, यानी आप फिर आ जाते हैं गाली गलोच पर। जब आपकी दलीलें खत्म हो जाती हैं हमारे माँ बाप गाली गलोच पर आते हैं,
हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे बड़े भाई, जब हम दलाए देते हैं तो उसके जवाब में आपके अंदर एक रवैया पैदा हो जाता है और वो पीटीआई वाला रवैया हो जाता है। जब आप उनको गालियाँ देते हैं, बातें करते, वो उनकी दलीलें ख़त्म हो जाती, वो फिर आपको फेसबुक पे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं माँ बहन की, आपको ब्लॉक कर जाते हैं, आपको अनफ्रेंड कर जाते हैं। किसने कहा था बहस को छेड़ो, जब तुम में हौसला ही नहीं है, ठीक है ना, जिच हो जाते। मुझे याद है एक आदमी तरावी के मौजू पर, एक डॉक्टर इसरार की जमात के एक साहब थे, फैसलाबाद के अमीर थे, मौलाना के पास जुमा पढ़ते थे, इतने मुहिब मौलाना के कि मौलाना ने एक जुमे में बताया कि तरावी की ये सूरत हाल है। तो उसने मौलाना साहब के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया मस्जिद के साथ, और झगड़ा करने के बाद मैं अगले जुमे आया तो मौलाना साहब फरमाते कहते आला पढ़, तू भी पढ़ ला। वो देखा एक उसे खत लिखा 800 सफ़ों का, और उसने ऊपर मजमून बनाया कि फ़राइज की आड़ में नफलों पर गोरा बारी, और उसने मौलाना साहब को रगेदा उसके अंदर, खूब झगड़ा लगाया, जो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, तुम्हें पता ही नहीं खिलाफत का। खुद वो बेचारा अरबी के दो हर्फ नहीं पढ़ सकता था। ये तो आपने जियाले पैदा किए हुए हैं। जमात इस्लामी के लोगों के साथ बात करें, वो कहते हम बेटे किसके काजी के, हम फलाने किसके काजी के, हैं जी, इस तरह की बातें करते, और बेटे काजी के आप देख लें कि किसकी झोली में बैठे हैं, ठीक है ना। और अब एक बेटे का तो आपको पता चल गया होगा कि 35 करोड़ का घाट निकल आया है उसका ना, वहाँ पर बनी गाला के साथ ही बेटे गाजी के। पहले ये पूरी की पूरी पीटीआई है जो है, ये आधी से ज़्यादा मुस्तार जो ली है, ये सराजुल हक साहब ने अता फरमाई है इनको ना, इनको 10 साल पहले कि आप ये जमात इस्लामी हैं, लड़के शुबान के अनमिल शबाब मिली के और सब जमीयत के लड़के उधर गए हुए हैं। ये फयाजुल चौहान, ये भी उसका, ये काजी को जिसमें मार पड़ गया ना, जब काजी साहब बहुत खुद भी अपनी पीछे आप देखेंगे उस तस्वीर के अंदर है, मैंने पहचाना ये तो वही है। तो ये एक रवैया दलील के मुकाबले में झगड़ने का, लड़ने का, हमें बचपन से हमारी उसकी तरबियत की जाती है, जिसके नतीजे में हम माशरे के एक बाशऊर शहरी बनने की बजाय और एक बाशऊर मुस्लिम बनने की बजाय और दलाइल के साथ और मुकालमे के साथ और डायलॉग के साथ हम बात करने की बजाय फिर हम एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। आप किसी फिरके के भी जाहिल लोगों को छेड़ेंगे, वह आप पर हमलावर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे याद है एक शाह साहब मेरे घर में तशरीफ़ लेकर आए, मैं खूब बीमार था, मैंने उनसे तो किसी कहते मैं आपसे बात करने आया, कोई और शाह साहब उन्हें लेकर आए थे, तो अहले बैत के बारे में बात करने लगे, और मैंने उनसे कहा कि वाकई अहले बैत रसूल तो हमारी सर के ताज हैं, लेकिन वो साथ में सहाबा के ख़िलाफ़ भी बातें करने लगे और बहुत आखिरी हद तक चले गए। तो मैंने उनकी ये बात सुनकर कहा, शाह जी आप मेरे यहाँ आए हैं, रसूलुल्लाह की औलाद है, मेरा काम बनता है कि मैं अदब के साथ आपके साथ पेश आऊँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे बुजुर्गों को गालियाँ दें। तो वो लगे और बहस करने, फिर काश साहब की वो 180 के जाविए पर काश साहब ने लिया, फिर चढ़ा था 103 बुखार, फिर वो दिमाग को भी चढ़ गया। मैंने फिर वो रगड़ाना सबको जिनका वो कायल था, अखीर कहने लगा मेरा दिल मानता है कि वो हक पर है। मैंने कहा दिल तेरे का, कि तेरे दिल पर तो शैतान का कब्जा है, और तू कौन से सैयद शाह हो गया, हमें तो मुझे तो कोई पता नहीं, कोई है तेरे पास कोई वसीका हजूर की मोर लगी सैयद है, तू कोई को मियार यहाँ से उठ के तो पता नहीं आ गया कि तू वैसे कर रहा है मुझसे। जब रगड़ा लगा दोनों टांगों पर वो आया और फिर मेरे दोनों घुटनों को हाथ लगाया वहीं पर बैठे, कहते जी मुझे मेरा, मैंने उसको ना खुदा का रहने दिया ना रसूल का, किसी का भी नहीं रहने दिया। वजह क्या होती है कि जब आप दलील के बजाय दूसरे पर धौंस के साथ बात करेंगे तो वो दलील फिर आपकी, लेकिन चूंकि सोसाइटी हमारी इस तरह की परवरदा हो चुकी है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये यही कहते हैं। अभी एक दोस्त का मुझे लंदन से फ़ोन था, वो कह रहे थे कि मैं ये नवाज शरीफ लोगों को इसलिए जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं तो वो इनके केसों को डील करते हैं, उन्होंने मुझे बताया, और एक दोस्त यहाँ पर हैं वो भी, उनका भी मुझे एक बड़ा नासेहाना मैसेज आया कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बहनोई ने बताया। मैंने कहा आपके रावी सारे के सारे ज़ईफ़ हैं, यानी लोगों की बातों पर आप यकीन कर रहे हैं कि आप बताएं, आपने खुद क्या तहकीक की। हर लीडर के बारे में आप याद रखें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जमात इस्लामी हो, आपने किसी भी लीडर के बारे में सुनी सुनाई बात नहीं कहनी। अखबार से पता चला, अदालत ने कह दिया, वो तो उस जज ने अपने तौर पर फैसले लिए, आप नहीं उस पर कोई बहस कर सकते, आप चुप रहेंगे। जैसे भी वो अच्छे हैं बुरे हैं आपको पता ही नहीं, नहीं जी ये हमारे एक दोस्त ने कहा कि मेरे साथ ये आया, दोस्त का क्या भरोसा, या तो लोग रसूलुल्लाह पे तोहमतें लगाते रहे, हजूर की तरफ ज़ईफ़ हदीसें लोगों ने मंसूब की नहीं।
वो हजार वाली किताब बड़ी मुश्किल से लेकर गए, वो पता नहीं कितने महीने गशियां पढ़नी, इन सबको जन्नत के रास्ता ले लिया, यार हजार दी ले ली, ये की कर लिया, मैं क्यों ना ये बैलेंस पवा लेंदा है, काश ये घर भी तो पड़ी है देख देख के वो, बस ये बात है। सोसाइटी बहुत बुरी तरह गल चुकी, ये एक दोस्त पूछते हैं कि किसी मौलमा से एक खातून बहन ने पूछा है कि अल्लाह के पाक नामों का वास्ता दें, अपने नेक अमाल का दें, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका वास्ता ना दें। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके नेक अमाल में से पहली चीज़ ईमान है कि रब्बा ना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, यही है कि ये कि आपके आप नेक ईमान पर अल्लाह ताला के सामने के ऐ हमारे रब हम ईमान लेकर आए, ये कुरान की आयत है। आप मुझे ये बताएं ईमान आप किस पे लेके आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर। तो आपके तो नेक माल में पहली चीज ईमान है और ईमान में अल्लाह और उसका रसूल है, तो आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बातें कर रहे हैं भी किसी ने ये दिया नहीं। मैंने कहा किसी ने दिया, कुरान में भी मजीद में तो है क्या है हमारे रब आप हम आप पर ईमान लेके आए हैं, और ये इस तरह पहली बात तो आप मानना है, ठीक है ना, ये ईमान लेकर आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। अल्लाह का बारे में भी रसूलुल्लाह ने बताया कि वो एक है, आपको कहां से इतला आई कि अल्लाह एक नहीं एक ही है, मुझे कोई बंदा बताए तो कोई आपका खारजी कोई इतला आप पर अलग से हज़रत जिब्रील ने बताया कि अल्लाह एक है, बताएं ना। काफ़र कहते हैं कि नहीं दो है, ईसाई कहते हैं तीन है, मुशरकीन अरब कहते हैं अल्लाह के शरीक हैं, तो अल्लाह के शरीक नहीं हैं इसकी आपके पास क्या दलील है, क्या अकली आप अकल पर फिर ईमान, फिर नहीं जी अकली दलीलें तो फिर अकल पर ईमान लें, अकल रसूल हुई ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं। एक आदमी रात पता नहीं कोई सवाल मुझसे आया था कि मुल्हद कह रहा है कि अल्लाह ताला ने 30 साल एक आदमी गुनाह करता है तो उसको सारी ज़िंदगी का अज़ाब अल्लाह क्यों देता है, तो मैंने कहा ये आप अपने आप को गोली मारें या ज़िबा कर लें या फांसी या जहर पी लें, 3-4 काम बड़े अच्छे हैं ईजी हैं, ठीक है ना, तो आप करें फौत हो जाएँ अल्लाह के पास जाएँ, वहाँ जाके अल्लाह से पूछें कि या अल्लाह आपने ये कानून क्यों बनाया, अल्लाह आपको उठाएँगे जहन्नम में फेंक देंगे, बस उसके बाद आपको पता चल जाएगा कानून क्यों बनाया, भी अल्लाह ने बनाया है बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाया, हम उसकी क्या वजातें दें, ज्यादा कोई हम 2-4 अकली बातें कह सकते हैं। ऐसे सवाल जो मुल्हिदीन है उनके लिए उनका बेस्ट वे जो है आपके लिए काश साहब ने तजवीज़ किया कि एक बंदा कहता अल्लाह को हमें पैदा नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा ये तो बात आपने सोची, मैं तो समझता हूँ अल्लाह को मुझे पैदा करना चाहिए था और उससे मुझे पैदा किया और बहुत अच्छा किया मुझे पैदा करके, आप अपने आप को ज़िबा करो मर जाओ, अल्लाह ने ऑप्शन दी है आपको कि जो बंदा डिलीट करना चाहता है इटसेल्फ अपने आप को ही कैन डू दैट इट, वो कर सकता है वो अपने आप को ज़िबा करे और मर जाए। अल्लाह के किसी फेल पे आपको इतना ही एतराज है, आप ज्यादा ज़हीन हो गए हैं, ज्यादा हकीम है, ज्यादा अलीम है, ये बात जब आप कर रहे होते हैं तो आप असल में बता रहे होते कि अल्लाह अलीम भी नहीं है हकीम भी नहीं है, और मैं अलीम उन हकीम हूं तो आप अलीम उन हकीम भाईजान जो है वो फौत हो जाए फिर, यही है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा आपको गोली मार दें हुकूमत से कह के, नहीं क्या उल्टी तरफ नहीं लेके आया तुम्हें, उल्टी तरफ से सीधी तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये क्यों अल्लाह ने किया वो क्यों अल्लाह ने किया, हर वक्त यही काम चलता रहता है क्यों किया, 100 मसलों का एको हल, नवाब टूवेल नवाब टूवेल, अपने आप को मारो गोली इस दुनिया से छूटे आपकी जान, काम करें खत्म, चलो हमारी भी जान छूटे, टाइम जाया होता है, ठीक है ना, क्योंकि नुज़ूल पर आपको एहसास होना शुरू हो जाए कि मुझे नेमतें पहले से भी मिली हुई हैं और अब भी मिल रही हैं, पहले से मिली नेमतों का भी एहसास छिन जाना, मजीद नेमतों का आप पर बंद हो जाना, ये क्या आपने ऐसा बुरा किया है जिसकी वजह से, इसलिए ये जो नेमतें हैं ना मुसीबतें, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, बंदे की नाक में नकेल डालकर ये अल्लाह के पास ले आती, बड़े बड़े सरकश देखे हमने, बड़े बड़े फने खान थे, तुरम खान थे, पाटे खान, वो सब आ गए हैं अल्लाह के पास, जवानी के जोश और इस तरह पागल पने थे, लाओ बाली पन, रब ताला से दुआ करी अल्लाह
ये बंदा नहीं मानता, मैं तो बड़ी शिकायतें लगाता हूँ, मेरे अबू जी दो चीज चार बातों पे नहीं मानते। मैंने कहा या अल्लाह इनको पकड़ ले, ऐसे सेट कर इस बंदे को, इसको ऐसा कर दे ये तेरी तरफ खुद ही आ जाए। अल्लाह मियां ने पकड़ के रगड़ा दिया खूब अबू जी को। मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं पड़े हुए बिस्तरे मरग पे। मैंने कहा फौत हो रहे हैं, शहनशाह का पैगाम आ गया, दो चार मिनट बाद आप गए, मान लें अल्लाह से अगर कुछ मांगना है। मैं तो नहीं बचा सकता अब आपको, खुद ही रो रू के अल्लाह से बात कोई अंदर की, उन्होंने अल्लाह ने छोड़ दिया, चलो जिंदगी बढ़ा दी। कह उठ के कहते तौबा तौबा तौबा, तू बड़ा सख्त है। मैंने कहा ना, कोई बंदा हमारे काबू नहीं आता, कोई मुरीद हमारे काबू नहीं आता। वो कहते आगे से मुझसे बहस कर, मैं शाम को शिकायत लगा, सुबह मेरे पास टाइम है, पहले टाइम उठो शिकायत टाइम वही है, फौरन कंप्लेन दर्ज कराएं कि जनाब उसकी जो फिरकी घूमी हुई है, फोन उसका हो गया डेड, तार में जान कोई नहीं रह गई, जरा डाल दें थोड़ी सी बस, फिर दिन को देखें क्या होता है उसके साथ। दो चार दिन के बाद बंदा मंजे थे काम सीधा। तो ये जो है नबी अलैहिस्सलाम की जो सदका है, ये सदका का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह मजबूर हो जाता है, हम नस्बत देते हैं। आप असल में ना यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आपको कुछ लफ्ज़ों से होगी वहाबियों को चिढ़, और वाकई चिड़ होनी भी चाहिए, अहले हदीस सही चिढ़ते हैं उससे, क्योंकि आप उस लफ्जों के चार पांच नए मानी निकालते हैं। मसलन एक लफ्ज आप कहते हैं सदके, एक कहते हैं तफैल, एक बहक, एक बेवास्ता, कई ये वास्ता सदका वसीला, इनके आप करते हैं गलत इस्तेमाल, जिसके नतीजे में अहले हदीस आपके इन लफ्जों से चिड़ते हैं। आप लफ्ज ही बदल दें कि या अल्लाह हमें तेरे प्यारे नबी से नस्बत है, इस नस्बत को मलहूज खातर रखते हुए हमारी इस दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। मिल गई ये लफ्ज, क्या कहना है कि या अल्लाह हमें आपके प्यारे नबी से उम्मती होने की निस्बत है, आप इस निस्बत को सामने रखते हुए मेरी इस दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएं। आपका एक ताल्लुक है, ठीक है ना, दुनिया में लोग ताल्लुकात को मानते हैं अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पर ईमान लाना बजाते खुद जो है वो नेक अमल है, और ये नेक अमल आप कर रहे हैं, इसलिए नए कमल पर आप करें। कोई और मजीद सवाल है तो पूछ लें, शादी कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये लोग जब किसी की बुराई वगैरह करते हैं यानी कि, और पास में यानी काफ़ी उसकी बुराई करें, फिर उसके पास उसके साथ हमारी सुलह हो जाती है, तो क्या वो जो रिबत या उसकी उसकी चुड़ियाँ निकली होती है वो ऐसे होती है, रिलीट हो जाती? बड़ी अच्छी बात है कि एक आदमी के साथ हुआ झगड़ा, झगड़े के वक्त हमने की, फिर खूब गीबतें उसकी, चुगलियाँ बहतान बड़े बातें की, फिर मुद्दत के बाद हो गई सुलह। अब वो सुलह हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो सब खत्म हो जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया के अंदर ही आप अपने दोस्तों से, माँ बाप से, लोगों से, अहबाब से यही कहने कि भाई आपके बारे में मैंने कोई नादानी में बात कही आपकी पीठ पीछे, आपके मुँह पर अपने हाथ और ज़ुबान से मैंने अगर आपको कोई तकलीफ़ अपने रवैये से दी है, तो मुझे आप अल्लाह के लिए लिल्ला फिल्ला मुझे माफ़ कर। बिल्कुल वालिदैन के बारे में भी किया ना, बीवी बच्चों के साथ किसी से भी आपने की, आपने माफ़ी मांगनी। अब नफ्स आपको माफ़ी नहीं मांगने देगा, एक बात, और दूसरी ये बात है कि आपने माफ़ी मांगनी है, और उसके बाद उस भाई के लिए अच्छे कलिमात भी लोगों के दरमियान में कहने कि नहीं भाई पहले मेरा शऊर नहीं था, मैंने जज्बात में बहुत कुछ कहा हुआ है, आप उससे माफ़ी मांगें और उसके बारे में तन्हाई में उसके लिए मगफरत की दुआएं किया करें। अगर वो मर गया है, नहीं आप उससे माफ़ी मांग सके, ठीक है ना, तो आपको फिर चाहिए कि अब आप उसके लिए मगफरत की, अगर मामला इतना गर्म है कि आप माफ़ी मांगने जाएंगे वो और भड़क जाएगा। अच्छा तो फिर मैं तभी समझ ऐसे भी वो गल तो किदों की थी, तो आप कहेंगे फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए, फिर ना बताएं, फिर अब आप उसके लिए अच्छी उसकी तारीफ़ करें लोगों के दरमियान में, और दूसरा उसके लिए बहुत मगफरत की दुआ करें। यही हाल मसला है हसद का है, गीबत का भी यही हाल है, और हसद का मसला भी आपका यही है कि जिससे आपको हसद हो जाए उसके लिए कसरत से दुआ ना मांगनी शुरू कर दें, या अल्लाह मेरे इस भाई का रिज़्क बढ़ा, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, या अल्लाह जो नेमतें तूने मेरे इस भाई को दी हैं मुझे भी वो नेमतें अता फरमा, और उसकी तारीफ़ें करें और उसका शुक्रिया अदा करें, उसको बार बार कहें कि अल्लाह पाक ने आपको ये नेमत दी, आपका हसद जाता रहे, ठीक है ना, तो ये आपके काम होंगे तो फिर ही आप जो है ना कोई अच्छा काम आगे कर सकेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मगफरत करनी, अपने भाई की तरफ से खुफिया सदका कर दिया करें, भाई की मेरी तरफ से कभी कभी कर दिया करें, या अल्लाह हम काश साहब की तरफ से 10 रुपये दे रहे हैं सदका करें, इसका स्वाब मेरे काश साहब को पहुंचा दी मैंने उनकी तरफ से, ये भी नेकी है,
कर लिया करें बैठ के, जैसे आपने मुझे तोहफा दिया है ना, ऐसे ही मेरा तोहफा आपने जमा कर तेरे इस भाई ने ये तोहफा तेरे लिए पहले भेजा हुआ है, मेरे लिए मगफरत की दुआएं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ये डेली किया करे, इससे आदमी के सारे गुनाह तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। दिल के साथ किया करे कि या अल्लाह सब मोमिनीन के लिए मैं मगफरत की दुआ करता हूँ। ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, हकूकुल्ला माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे। ये एक बात याद रहे, हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद में कोई फ़र्क नहीं। जो बंदों के हक हैं ये भी अल्लाह के ही हक हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ कि वालदैन की इज्जत करो, अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई की बाइक बैटिंग ना करो, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि ये का बंदों के बारे में भी जितने अल्लाह ने, और जो अल्लाह ये जो हकूकुल इबाद अदा ही वो आदमी करता है जो हकूकुल्ला अदा करता है। जिसको अल्लाह का डर होता है ना वो बंदों के हकूक अदा करता है, जिसको अल्लाह का कोई डर नहीं वो तो खा जाएगा सबके पैसे, ठीक है ना। अल्लाह का डर होने की वजह से नमाजी भी बनेगा, और नमाज ही जो है इन सलात तनहा अन अल्फाशाई वल मुनकर, नमाज है जो आपको लोगों के हकूक लूटने से आपको रोकती है, नमाज मना करती है आपको कि लोगों के हकूक ना लूटो। ये जो बाजार से धागा ला के बांध लेते हैं, हैं जी, पहने फिरते हैं रिबन्स ते फ्रेंडशिप ते फलानी ते टमकानी ते हीरो बने फिरते हैं ना, ये सारे के सारे मुशरक हिंदुओं की तरफ से ये सारी चीज़ें आई हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कड़े पहने हुए हैं आपने, मर्दों ने अंगूठियाँ आठ आठ चार चार पहनी हुई हैं, अंगूठी की शरी हैसियत पर भी मेरा दिल करता है बहस करो। एक आध अंगूठी नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा अंगूठी नहीं पहनी, आप उतार देते थे, वो तो आपने पहनी सिर्फ उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम ने उसको बतौर मोहर के इस्तेमाल किया करते थे, सरकारी मोहर थी जो हुजूर के हाथ में रहती थी कि कहीं लगा के स्टैंपिंग करनी है तो उसको भेजना है, ठीक है ना। जीनत के लिए तो नहीं पहनी, बहुत कम लोगों ने जीनत के लिए पहनी हुई है, मर्दों को ये चीज़ें जेब नहीं देती, खसूसन लड़कों को तो बिल्कुल ही नहीं, ये सब लड़कियों के काम है ये सजना बनना संवरना, ये सजना के लिए ही होता है, सजनी के लिए नहीं। थानू हुक्म समझ गया ना, आप उल्टे काम ना करें और ही नई कहानी जो है ना वो चला लेते हैं, हैं जी। मर्दों को तो अल्लाह के नबी ने रेड कलर का लिबास पहनने से मना कर दिया, क्यों? औरतों का लिबास है, कहा इसके अंदर मिक्सिंग करके पहनो, ऐसे रेड कलर के कपड़ों पे बेडशीटों पे सोना जिनमें मुनक्कश और ऐसी ऐसी चीज़ें, मर्द को शरीयत ने पसंद ही नहीं किया कि ये औरतों की तरह की कोई चीज हो, इसलिए दाढ़ियां रखने का हुक्म दे दिया, ठीक है ना, कि मर्दानगी हो उसके अंदर। शरीयत ये कहती है, शरीयत कहती है कि मर्द औरत नहीं लगना चाहिए किसी भी लिहाज से, ना कपड़ों के हवाले से, ना खुशबू के हवाले से, ना नाजो अंदाज के हवाले से, ना चलने के हवाले से, ना खाने के हवाले से, ना पहनने के हवाले से, ना ओढ़ने। मर्द पहाड़ है, औरत एक नदी है, वो ढलती है, पहाड़ ढलते नहीं है किसी के अंदर। मर्द जो होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। ये आजकल लड़के भी लड़कियों की तरह टाइट कपड़े सिलवाते हैं, पजामे सिलवाए हुए लड़कों अच्छे लगते हैं, यकीन जाने हीरो की तरफ देखकर पहन लेते। मैं कहता हूँ तुझे अच्छा लगता है, वो कभी किसी गैर से पूछ, दोस्त तेरा तुझे क्या कहेंगे, वो कहेंगे यार जराना, किसी डिजाइनर से पूछ के तेरी पर्सनैलिटी को ये अच्छा लगता है, वो साफ कहेगा कि तू तो बांदर लगता है, इसके अंदर खुसरा सा फिर रहा है, यहाँ पर इधर से चाकों पे सिलाइयाँ, पीछे हिप्सों पे सिलाइयाँ, ये क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो तंग कपड़े पहनने वाली औरत में लानत की है, जिसका हक है कि अपने शौहर के लिए वो बने सवरे, तो उस मर्द पर कितनी लानतें होती होंगी। आप ये देखें, शरीयत जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, वो आपके बनने संवरने या इस तरह की चीजों से पसंद नहीं करती कि एक मर्द के अंदर एक हो। मर्द जफाकश होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है ना, वो बाद में बात रोते नहीं है। आप तो लड़कों को भी लड़कियों की तरह पाल रहे हैं, मेरा हनी, मेरा मुनी, मेरा फलाना, मेरा नन्नू मन्नू, उसको कर मेरे सामने तो बच्चा गिरता है, मैं तो अपने भतीजे भांजों में से कोई कोई बात नहीं, उठो ठीक है, शाबाश, कुछ भी नहीं हुआ बेबी, बहुत अच्छा है, उठो 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 उठो, चलो
आप छोटी छोटी माशरे ने कल उनको धक्के देने हैं, उनके साथ जुल्म करने, ज्यादतियां करनी, बुली बन जाना। ये पहले ही आपकी आपका माशरा बुली है, अब तो आप देख लें कि ये अभी ईद के बाद आप जरा ठहर जाएं, नेक्स्ट इलेक्शन तक आपके यहां पर खून रेजी की जाएगी, खून रेजी की जाएगी। इतने लोग मरेंगे, अभी जो धरना देने के लिए जा रहे हैं उसमें बंदे मरवाने का प्रोग्राम है, पूरा प्लान तैयार किया गया कि बंदे मरवाए जाएं ताकि हुकूमत, क्योंकि पहले भी साने एपीएस हुआ था तो उठे थे धरने से, बंदे मरवाना, बस बंदे मरे, हुकूमतें गिरे, फिर ही हम कुछ करेंगे। आपकी सोसाइटी बुली होती जा रही, बुली कुत्ते की तरह काटने को दौड़ रही है, तो आप अपनी सोसाइटी के अंदर आपके बच्चे को तोड़ देंगे। इसलिए नफसियाती मरीज यूरोप में ज्यादा पैदा हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को लाड प्यार किया, वो बच्चे बच्चे ना रह गए, वो जी मेरा बच्चा बाहर नहीं जाता, मेरा बच्चा अंदर नहीं आता, वो तो घर आके थे अंदर ही सोजना, अंदर ही वड़ उड़ के, और जो अंदर वड़ कर वो कर रहा है ना, वो बाहर भी नहीं कर सकता था, नेट पे जो गेम खेलता है वो जो कुछ वो उस पर लाइव चला के देखता दिखाता है, वो तो बाहर ही, उसको अंदर का जिसको चस्का पड़ा हुआ है, जो बच्चा अंदर बार बार कमरे में जा रहा है, कमरे में क्या रखा हुआ है, प्राइवेट रूम होने चाहिए जी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे का अलग कमरा पढ़ने का, कौन पढ़ता है, आप तो पागल हैं, कौन पढ़ता है वहां पर, पढ़ता होता ये दुनिया के अंदर टॉप 10 नंबरों पे ना आता, अबू जी मैंने पढ़ना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप तलीम के कॉम्प्लेक्स में मुबतला है, जो पिछले वालदे हैं ना, ये अनपढ़ जाहिल है और तलीम के इनको अपनी उसके एहसास कमतरी है तलीम के मामले में ना, कि और जो पढ़ लेता है उसका शऊर बड़ा बुलंद हो जाता है। पहले तो हम भी इस पार्टी के लड़के ने हमें इस तरफ लगा दिया, लड़का ही जहन्नम लेके जा रहा है तुम्हें, आप एहसास कमतरी में मुबतला किए गए, जिसमें आपका लड़का दो चार अंग्रेजी के लफ्ज बोलता है, पाजी सन तो पता भी नहीं चलता, आप ही कंप्यूटर इंज करके चला रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, एक बोलेपन की निशानी नहीं है ये, तेरे खोतेपन की लामत है, यू आर डंकी मूड पर्सन, समझ गए ना, इस तरह की बातें ना मुझे आकर सुना, अगर मैं सुनता हूं मैं कहता तो जा आके मेरे पास बैठे औलादों की ऐसे तरीफें कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या होता है, बोले वाले बन के उनके कारण, और खुद ही गाड़ी बड़ी तेज चलाता है, पता ही नहीं लगने देता है, मैं कह जिस जनाजा आ जाएगा फिर पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, हीरो बनाए ना इस औलाद को, इन डंगरों को सीधा करके रखें, इनको बच्चे बनाए इंसान के, बंदर के बच्चे बना रहे हैं आप, उनको बंदर का बच्चा टिकता है, कोई और चीज तकब्बर के बारे में बताइए, तकब्बर क्या अगर करने को दिल करता करके देख लें, आपको पता लग जाएगा दो चार दिन के अंदर तकब्बर, यहाँ पे बोल लें अभी जुमला कि मैं मुतकब्बर हूँ, फिर देखी जरा जेडी गड्डी गुड्डी भी गई तो तू भी गया तो घर भी गया, सब कुछ छोड़ उड़ जाना है, अल्लाह के बंदो ये तकब्बर एक ऐसी चीज है, इसका तो इरादा भी ना करना कभी, इसके बारे में तो रोज अल्लाह पाक से माफी मांगना कि या अल्लाह पाक बाकी गुनाह तो सारे हैं ही हैं, तकब्बर के बारे में और वालदैन की तोहीन के बारे में दो बातें आप ज़हन में, इसका इरादा भी नहीं करना, मैं अब्बा जी से पूछूंगा, मैं उसको ऐदा कर दूंगा, इसका तो सोचना भी नहीं, रोज हर नमाज में एक ही बात कहने की, या अल्लाह मुझे इन दो गुनाहों से मुझे बचा ले, मेरे और उनके दरमियान में हजारों मीटर करोड़ों मीलों का फासला पैदा कर दे मेरे, मुझसे ये गुनाह नहीं होना चाहिए, तकब्बुर आंख भर के भी नहीं देखना, ये जो नारे होते हैं किसी की तोहीन के, उसका मतलब क्या होता है कि मैं मुकद्दस हूं तुम चोर हो, मैं मुकद्दस हूं, अपनी तकदीस अपने पाक होने की कस्में खानी, अल्लाह कुरान मजीद में कहता है अल्लाह जानता है खूब तुम कितने के पाक हो, तकब्बुर के बारे में नहीं सोचना, जहां आपको शुबा भी हो जाए ना कि यार ये शायद मेरा तकब्बुर था, वह उसकी भी माफी मांग के सुनिए, उसी वक्त ही जेन में आ गया, उसी वक्त सजदे में पड़ जाए, रोड है ना साइड पे गाड़ी खड़ी गए सजदे में चले, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि कोई पता नहीं आप गाड़ी चला रहे हैं और सोच रहे हैं उस तकब्बर की सजा आपको मिल जाने। खुद मुझसे एक बड़ा यहां का बदमाश था, ठीक ठाक किस्म का फैसलाबाद का नामी ग्रामी बदमाश था, पहले वो मेरा दोस्त था, फिर किसी मसले के अंदर मेरी उसकी झगड़ा हो गया, उसने फोन पर मेरे साथ बड़ी बदमाशी की, ठीक है ना, मैंने कहा कोई बात नहीं तुमने कर ली, मुझे कहता तू मैंने मेल सही की, मैंने कहा इंशाल्लाह मुलाकात तो है, मैं तो हूं अपने घर से बाहर फलां जगह खड़ा हूं, आ जाओ ये तो है कोई मसला नहीं, मैंने कहा तुम लेकिन तुम अपने घर से भी नहीं चलोगे, तुम्हें यहीं पर सजा मिल जाएगी, चलो मैंने कहा तुम अभी,
वो मुझे जानता था थोड़ा सा, बिकाय साहब तो शुरू कर देते हैं उसी वक्त ही, या अल्लाह इन फड़के उड़ा दे, मेरा तो एक ही काम है अपने दुश्मन इन उड़ा दे अल्लाह, बस इन हदायत घट ही आनी, इन्हें नहीं बंधना बुंधना, ठीक है ना। तो मैं तो वो चला गया यहाँ से, और लाहौर से फिर एक दिन मैंने जुमा मौलाना की मस्जिद में पढ़ आया, मैं मेरे आने से पहले ही मस्जिद के अंदर दोनों मेरे पाँव पकड़ लिए, मैं क्या हुआ, मैं यानी उसने माफ़ी भी दी मुझे, कहता बस, कहता इतने एक्सीडेंट हुए हैं, यही हर एक्सीडेंट के अड्डे पर यही आता था, काशिफ कहता तुमने मेरे से ज्यादती की, बस मैंने अल्लाह को कह दिया, वही पूछेगा तुझसे, अब मुझे क्या जरूरत है बहस करने की किसी के साथ। तकब्बुर, मैं तो किसी के अंदर मामूली सी चीज़ भी देखता हूँ ना, ये तकब्बुर बड़ा आजज़ाना भी होता है, नहीं जी मैं तो अल्लाह का बड़ा मेरे अल्लाह के बंदे का ना, मैं अभी नहा रहा था तो उसकी पुरानी सी बात है, मैं किसी वजह से नाराज़ हो गया, वो आगे से मुझे इतला पहुंची, वो बंदा कहता काज साहब ना हूँ गल छड़ देनी चाहिए, मैं नहा रहा पुरानी उसने कोई बात की हुई, तो मैं कहा कितना बदबख्त आदमी निकला कि बजाय ये सोचते कि उस्ताद जी की नाराजगी जो लंबी होती जा रही है इसका मतलब है कोई काम ही गलत हो गया, पीर को कहा कि पीर छोड़े बात, मुर्शिद छोड़े अपनी नाराजगी, भाई जो उसने इतनी लंबी नाराजगी इख्तियार कर ली और सख्ती पर हो गया इसका मतलब है कि उसने कोई अंदर अच्छा मुर्शिद की बात कर रहा, दो नंबर मुर्शिद की नहीं, कि कुछ गलत हो गया है आपसे और वो माफ करने पर तैयार नहीं है, तो ये तो अलामत है इस बात की कि जाके दफा होके कदम पकड़ ले, उठे ना उतनी देर तक। हमारे किबला हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला, कई दफा उनसे मतलब तोहीन काशिफ हुई है सब के, आपके मुझे तोहीन के आजकल अच्छा, कई दफा उन्होंने कहा चल दौड़ जा तू तुकी कर दफे, मुझे सारा पता होता था कि आज हमारी सब टेंशन में है या आज ऐसे है या गलत हो गया या कोई बीसियों बातें हुई हैं, लोगों से नहीं वो करते थे मेरे से उनका बड़ा, मैं घूम घाम के आधे घंटे बाद जनाब एक दो अंडे फ्राई करके हैं जी या बॉयल करके या उनके लिए कुछ पैक सेवन जो उनको पसंद, मुझे पता तो सारा ही था कि उस्ताद जी को इस वक्त दोपहर को ये पसंद है शाम को ये है, उम्र गुजर गई थी उन्हीं के साथ, तो मैं लेके पहुंच जाता था घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर आ जाता था, ठीक है ना। और मैंने कभी उनसे तकाजा नहीं किया कि आपने मुझे सब, मैंने आज तक उनको ये भी नहीं किया और उन्होंने भी मुझे कभी नहीं कहा कि तुम आए हो ये हो गया काशिफ बच्चा मैं गुस्से में होता हूँ, मुझे मैंने कहा ही नहीं, अल्लाह के बंदे मुर्शिद के पास आए हैं। एक दफा को बड़ी अहम बात थी, हम उनके घर गए तो हमें दरवाजे से लौटना पड़ा, जो बंदा मेरे साथ था मुझे नहीं फील हुआ, उसने मुझे कहा, उसने कहा देखो जी इफ्तारी के एंड टाइम पे उन्होंने हमें वापस लौटा दिया, मैंने कहा वो ऐसे नहीं है, बात कुछ बहुत अहम होगी जिसकी वजह से हमें लौटना पड़ा है, ठीक है मेरे उस्ताद जी ऐसे नहीं है, बस मैं तुम्हें मुझे इत्माद है तुमने दोबारा नहीं आना ना आना, मुझे तो वो ये भी कहें कि तुमने वो एंड टाइम पे भी निकाल देते ना कुछ खिलाए पिलाए बगैर तब भी मैं चला जाता, क्योंकि मेरे उस्ताद जी ऐसे नहीं बहुत आला जरफ के। वो दो दिन के बाद आए मस्जिद में, उन्होंने कहा पता उस वक्त मैंने तुम्हें भिजवा दिया, मैं बाद में भी सोचता रहा तो हुआ ये था कि उस वक्त लाइट ऑफ थी, सारी फैमिली की खवातीन बाहर लॉन में बैठी हुई थी, अब मैं तुम लोगों को अंदर भी नहीं बिठा सकता बाहर भी नहीं बिठा सकता, मैंने कहा यंग लड़के हैं जाते जाते रास्ते में इफ्तारी कर लेंगे, मैंने फिर उसको बात बताई। अपने उस्तादों पे बदगुमान हो जाने का मतलब यह है कि शैतान ने अब आपको गुमराह कर दिया है कि अब ये तो करता है रोज आके इससे माफियां मांगता है, ये तो पूछता है कि उस्ताद जी मैंने बंदा इसको इस बंदे से मुतनफर कर दो, चलो यही दो काम थे सो बाक हो गए जी। इतने तक मैं पूरा जुमा पढ़ाया है, हूँ मैं जुमा पढ़ावा था सारा, ठीक है, लेकिन व अम साइल फलाता नहर, हदीस में है कि साइल तुझसे पूछे तो उसको झिड़की ना दे। आप मोहतरम हैं, आपको देखें इस्तखारा, जिंदगी में लाखों मसले ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बात वाजे नहीं होती कि यार मैं क्या करूँ इस मसले में, और ये एक नहीं ये रोज़ाना आपको पेश आने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं जैसे कुरान याद कराया था ना ऐसे नबी ने इस्तखारे की दुआ याद कराई, और आपने कसम खा ली सबने कि हमने भी इस्तखारे की दुआ याद नहीं करनी, छोटे छोटे इस्तखारे मुझसे पूछते कोई छोटा लफ्ज दसो छोटा कितने छोटा लाजा तेरा काम एड्डा वड्डा। जिस बंदे को दुआए इस्तखारा याद हो गई ना आप मुझे उस बंदा वो बंदा मुझे आके कह के काश साहब मैंने दुआ इस्तखारा पढ़ी थी मुझे नुकसान हो गया,
मैं उसकी ये बात सुनने के लिए मुंतजिर हूं कि बंदे ने काम करने से पहले दुआए इस्तखारा पढ़ी थी, उसमें हो गया उसका बेड़ा गरक, उसको हुआ नुकसान, उसकी हो गई तबाही, उस बंदे को कहें कि वो मेरे सामने आए। हो ही नहीं सकता कि इस्तखारा पड़ा हुआ हो और उसने सिदके दिल के साथ और उसको नुकसान अल्लाह ने डाल दिया, ये हो ही नहीं सकता मेरे अल्लाह का, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को। दुआए इस्तखारा क्या है? दो रकत नफल पढ़े और उसके बाद दुआए इस्तखारा का मान ये है कि ए अल्लाह, इस्तखारा खैर तलब करने को कहते हैं कि मैं आपसे खैर मांग रहा हूं इस मसले के बारे में जो मेरे दुनिया और आखिरत दोनों बना दे। अगर तो ये ठीक है, सारे वसाइल ऐसे इकट्ठे कर दें कि ये मैं काम कर लूं, अगर ये ठीक नहीं ना तो सारे वसाइल दूर ले जाएं कि ये काम खुद ब खुद मेरे हाथ से निकल जाए, मेरा कोई वसीला ही ना बने इस काम की तरफ आने का। वसाइल इकट्ठे कर दें और हर रास्ता शर है तो हर रास्ता इसकी तरफ जाने वाला बंद गली की तरह का बना दें, शुरू में इतने पत्थर लगा दें कि मैं कर ही ना सकूं। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह से मांगा हो, खैर तलब की हो और अल्लाह ना दे बंदे को खैर, पता नहीं ये अल्लाह है। मैं बच्चा था, एसटीएन पे एक नज़म लगती थी, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, मुझे वो होगी जबानी याद। मैं आया मस्जिद में, मैंने आकर मौलाना साहब को मैं आपको एक नज़म सुनाऊँ, बच्चा था, उन्होंने कहा हाँ सुना दो। मैंने उनको सुनाया कि फूल और तारे, चांद और तारे हैं, जिस तरफ देखो है प्यार ही प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। बड़ा मैंने तरन्नुम के साथ उनको सुनाया, वो फिर यही हर वक्त अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, हर बिल्कुल अल्लाह प्यार है बिल्कुल, वो ये वो कभी कभी टाक सुना ना काशिफ, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। मैं छोटा बच्चा था तो 12-13 साल का, मैंने जनाब रुजाना ही उनको अल्लाह है बस प्यार, एक ये और एक मैं उनको कहता था ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं, तड़पते ही रहेंगे, बड़ा हंसते थे वो। तो कभी कभी गम में बैठे कहते सुना ना कि ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं, तड़पते ही रहेंगे, क्योंकि हकीकी गम जिनको लग गया ना उनके लिए दुनिया जो है ना मोमन के लिए एक कैद खाना है, वो फिर छोड़ देने को चाहता है कि जाएँ और यहाँ से। तो इस्तखारा की दुआ याद करें, असली दुआ नहीं तो पढ़ लिया करें, दो रकत पढ़ने के बाद उस दुआए इस्तखारा को पढ़ लिया करें, उसका तर्जमा भी पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि बस सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मैंने तो जो बरकतें पाई हैं ना, माल दौलत इज्जत आबरू बीमारी हर शय के अंदर, हर शय के अंदर। हम तो ये जो है ना शायद साहब या ये डॉक्टर उमर साहब जाते हैं, जो मुझे गाड़ी गुशाड़ी में लेके कहीं लगानी हो गाड़ी, पहले ही घर से निकलते या अल्लाह ऐसा हमारे लिए, हमने फलां दुआना बाजार के बाहर जाना है, वहाँ रश इतना होता है, हमने गाड़ी लगानी है, ऐसी जगह चुन जहाँ गाड़ी महफूज हो जाए, इनको पूछ लें बंदों ने निकल के उधर रश के टाइम में पीक आवर रात 8 बजे उन्होंने हटा के सारी हमारी गाड़ी वहाँ लगाई, बड़े आराम से वहां खाया पिया, जरूरत की चीजें पूरी की, आ गए कुछ खाने को, रात को दिल किया सोचा भी दो रेड़ियां हैं, इन दोनों में से किस में से खाएं, अल्लाहुम्मा खिर लाना वक्त अल्लाना, अल्लाह हमारे लिए चुन और बेहतरीन चुन, उसी तरफ कदम भेज दे, लो अल्लाह कहते हैं एक तो गोलगप्पे खाओ तो घर न जाओ, वो खाओ तो होके और ही ना मर जाइए। मैं तो 24 घंटे हालत इस्तखारा में हूं भाई, बेहतरीन दवाइयां भी आ जाती ना, या अल्लाह वो दवाई पहले पहुंचा दे मेरे पास जो दवाई मेरे लिए खैर है वो आ जाए, अल्लाह ताला उसी वक्त उसको भेज देते हैं, जो इस वक्त नहीं फायदा देगी इसको हटा दे मुझसे परे कर दे। तो कोई मुरीद आ जाता है उसके लिए, या अल्लाह अच्छा है तो इसको रहने का मौका दे, नहीं तो दफा दूर, क्योंकि कोई पता नहीं अभी चा मोहब्बत से आया है मेरे साथ वारे सदकी जा रहा है, 2-4 दिन के बाद पास रहे, दिल में कोई मेरी कोई बुराई या मेरा कोई ऐप देखे भाग जाए, सारी दुनिया में डंडोरे पीटता फिर वो तो लो जी मैं देखा होता नमाज सुनता भी नहीं पढ़ते अगे पिछे तो इदा वा तो उदा वा है यू सली फी सौ बिन वाहद, मैं उन्होंने देखा उन्होंने तो कमीज भी गल दी पाई हैगी कली नमाज पढ़े सुबहान अल्लाह, मैं तो गर्मी में पढ़ता ही ऐसे ठीक है ना। तो ये जो है मतलब इस तरह का भी हो जाता है, अल्लाह से ताल्लुक बनाए, हर वक्त खैर मांगते या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या ये भी इस्तखारा अपनी जबान के, या अल्लाह खैर कर दे ठीक है ना, या अल्लाह खैर कर दे सोने रब्बा खैर कर दे अल्लाह खैर। मैं तो अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि आप सुबह टेलीफोन आता है, मैं पहले ही कहता हूँ या अल्लाह खैर का टेलीफोन हो, फोन उठाने से पहले भी रात को मैं मिस कॉल आई मैं कहता हूँ या अल्लाह खैर की हो, हर चीज खैर 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 बेयदिकल खैर, इन अल्लाह अला कुल्ली तेरे हाथों में खैर है और कुछ खैर नहीं दुनिया।
मैं तो अल्लाह से यही कहता हूँ मेरे लिए तूने कभी बुरा नहीं सोचा, जब था नहीं, कायनात नहीं थी, जमीन और आसमान नहीं था, मैं तेरे इल्म में भी मेरा वजूद था, उस वक्त तू मेरे लिए खैर की सोचता रहा। मुझे तूने पहाड़ नहीं बना दिया, खोता नहीं बना दिया, बंदर और सूर नहीं बना दिया, हैं जी, किसी आदमी के निकले हुए पेट से खाना नहीं बना दिया, नजासत नहीं बना दिया, किसी का पेशाब सूअर का नहीं बना दिया। कोई तो वजूद देना ही था ना, हर शय अपना वजूद रखती, पेशाब पखाना भी वजूद रखता है। ए अल्लाह तूने मुझे वो बनाया, खलक तो भी यदि जिसको तूने अपने हाथों से तैयार किया, मुझे वो बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ा शुक्र हूँ। और फिर तूने ये कहा कि मैं उस जमाने में काशिफ को पैदा करूँ जो जमाना नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चल रहा हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे पैदा भी किया तो उस उम्मत में जो सैयदुल उमम है, हैं मेरे सैयद नबी की, अल्लाह अल्लाह सुभान, फिर ऐसा किया कि उस्ताद एक अच्छा दे दिया, सुभान अल्लाह, फिर मरकज तूने अच्छा दे दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर मुझे लोगों को दीन बताने वाला बना दिया, लिसानन वो जबान दी जो शुक्र करती, वो दिल जो हर वक्त तेरी तरफ लगा रहता है वो अता फरमाया, हैं जी, आंखें वो दी जिससे जरिए मैं दीन पढ़ता हूँ, हैं जी, सुनता हूँ, बोताता हूँ, बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये तो तूने मुझे नेमत क्या दी, ये नेमतों का मुझ पे मुसलसल बारिश कर रहा है, मुसलसल एक दिन भी नहीं रुकी, ये अल्लाह के साथ प्यार करना, अल्लाह से हर वक्त लड़े झगड़े रहना, अल्लाह से गिले शिकवे करते रहना, तो फिर मजा नहीं है। दुआए इस्तखारा जो है ना, ये याद कर ले, कौन कौन बंदा इरादा करता है दुआए, मैं उसके लिए दुआ करूंगा, सारे हाथ खड़ा करें कि भाई हम इंशाल्लाह दुआए इस्तखारा, या अपने बच्चों को हर बंदा जबानी याद कराए, दो दिन तीन दिन में अगर आपने ये सोच लिया है ना, तो आप जाकर थोड़े दिनों के अंदर ही हिफ्ज करके मुझे सुनाएंगे। और हल उसका सिर्फ एक ही याद रखने का, बस दिन में तस्बीह पूरी पड़े, बस पूरी तस्बीह, बात पर इस्तखारा, बात प्रॉपर्टी लेनी, बच्चे का रिश्ता करना, बीमारी आ गई, घर बेचना, खरीदना, लेन देन, ब्रोकरी करनी, कोई काम आते इस्तखारा इस्तखारा इस्तखारा, अल्लाह चुन ले चुन ले चुन ले, मेरे लिए खैर चुन ले, अल्लाह इंतखाब फरमा, मैं बिल्कुल अंधेरे में खड़ा हूँ, तारीकियों में खड़ा हूँ, मेरा ना तजर्बा, ना इलम, ना मुशायदा, कोई शय मुझे इस वक्त काम नहीं आ रही, मेरा सोनिया रब्बा मेरे लिए कुछ कर दे। मैं कहता नूर उन्ला नूर, इस तरह रास्ता खुल जाएगा, रोशनी रोशनी फरमाया, जा निकल जा इस रोशनी के अंदर। मैं कहता आपको क्या पता, आप जिसको हाथ पकड़ने अंधेरे, इस्तखारे के बगैर जिंदगी कुल की कुल अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरे में आपको क्या पता रस्सी है कि सांप है, किसको मैंने हाथ में पकड़ लिया, रोशनी आने पे बंदा फेंक देता कि ये तो सांप मैंने पकड़ लिया, हिला तो अल्लाह अंधेरे के अंदर ही आपका हाथ रस्सी की तरफ ही लेकर जाएगा जो कारामद है, सांप को आपसे दूर कर देगा, हाथ ही नहीं पकड़ने देगा। अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए मौलाना मरहूम को, मैंने कहा कभी सांप भी देखा, सवाल तो उठे बच्चे के हर तरह के, कभी मैंने पूछना आपने जिन्नात देखे हैं, कभी मैंने कभी पूछ कर, रोज तो मैं वो अल्लाह उनका बड़ा हौसला था, वल्लाह ही मैं कई बातें समझता हूँ, मैं तो यवला में था, बच्चा था उस वक्त, मैंने हटना ही ना बचपन में पूछना कि आपने परी देखी, कभी चुड़ैल देखी है, कोई ऐसी बहुत सवाल करते हैं उनसे, भूतनी किसको कहते हैं ये बताएं ना, ये भूत क्या होता है, साया किस शय का नाम है, सेब किसको कहते हैं, बड़े वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। होता रात के वक्त में था, जब ना इशा पढ़ लेते थे सब चले जाते, फिर चाय टांगे दबानी मैंने लगे रहना, मस्जिद का सहन बड़ा अच्छा एक माहौल बनता था, उस्ताद जी ने अल्लाह के रहमत करे। तो मैंने पूछा कभी सांप भी, कहते हाँ एक दफ़ा, कहते मेरे, मैं जब अंधेरे में हल चला रहा था तो उस वक़्त जो है सुबह जब हुई तो मैंने देखा खेत में एक बहुत बड़ा काला नाग मरा पड़ा है। क्या हुआ, कहते वो बैल चला रहा था, रात के अंधेरे में नहीं पता चला, बस वो बैलों के नीचे रौंदा गया, हल चलाते हुए ना बैलों के पाँव में कहीं आ गया और उसी में रौंदा रौंदा, अल्लाह ने कहते मुझे बचा लिया उससे। क्यों, खैर आपको क्या पता अंधेरे में सांप है क्या है, समझ गया। तो अल्लाह ताला से खैर की दुआ मांगे। और कोई सवाल, वालेकुम सलाम, जी जी इंशाल्लाह, जी जी जैसे काम करवा देते हैं, तो उसकी क्या मतलब है, क्या इसको डिनाई
जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये। मेरे जो सवाल ही असल में ये है, मुझे आपको पता बच्चे मेरी जान है, तो बच्चे तो किसी के भी हों, काफरों को भी हों, किसी के भी बच्चे हों, तो मेरे ना उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के सिपाही नज़र आ रहे होते हैं हर वक्त। मैं तो बच्चों का सबसे ज़्यादा चाइल्ड लवर्स हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत, मुझे प्यार है बच्चे जवान, ये सरमाया है, ये आने वाला मुस्तकबिल है, ये मेरे नबी के दीन को तकवीत देंगे। आप मैं मर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमारा तो सफ़र ख़त्म हो रहा है, ये हैं बस, बाद में किस कोई तो हम ऐसा बंद बांध कर जाए इन बच्चों का, जो कुफर के आगे खड़े हो जाए और कल अपने नबी के दीन के गिरदा गिर्द पहले देते देते ये भी मर जाए, फिर इनकी नस्लें, फिर ता सुबह के आमद ये अमल जारी रहे। देखे बच्चे आपके पास हैं और आप एक बात समझ लें, बच्चे मानत हैं, आपने अगर इसके अंदर खयानत की, बच्चे आपके हैं ही नहीं। अगर आपके अपने होते ना तो आपके बस में होते, इनका पैदा करना, इनका बड़ा करना, आपके बस में कुछ नहीं है, बस में कुछ नहीं, ये अमानत है। जिसने इस अमानत के अंदर खयानत की, वो आदमी को इन्हीं बच्चों के साथ दुनिया में अजाब मिला। बच्चे गुस्ताख हो जाएंगे, नाफरमान हो जाएंगे, आपकी बेइज्जतियां डेली किया करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने इसके साथ क्या खयानत की थी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर जालिम, फासिक, फाजर, गुस्ताख और तौहीन करने वाला मेरा बन गया। दुनिया में इसे अल्लाह दे देता है, जैसे वालदैन की नाफरमानी करने वाले को, एक्चुअल नाफरमानी, जो दीन के उनके हक बनता है वो नहीं देता, तो उसको दुनिया में सजा मिल जाती है। और इसी तरह बच्चों के साथ जो उनको बर्बाद कर देता है उनकी अखलाक, उसको भी दुनिया में सजा अल्लाह ताला दे देते हैं। आखिरत वाली सजाएं आखिर में रखी। आपको चाहिए कि अपने बच्चों को भरपूर दीनी शऊर से आगाह करें। शऊर ही दीन है और दीन ही शऊर है। बस एक बात आप अपने, ना आपका डॉक्टर बनाना, ना इंजीनियर बनाना, ना वकील बनाना, ना अकाउंटेंट बनाना, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, ये शऊर ज़िंदगी नहीं है, ये शऊर ज़िंदगी नहीं है। दीज आर स्किल्स, ये महारतें हैं, ठीक है ना, एक्सपर्टीज हैं आपकी, कि आप इसके अंदर जी बच्चे को आप वकील बना के क्या के कानून में बात करने की महारत दे देते हैं, डॉक्टर बना के क्या जी जिस्म की कहीं खराबी हो तो उस खराबी को दुरुस्त करने वाली आप उसको महारत दे देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो उसको हम टेक्नीशियन बना देते हैं, वो क्या करता है, वो उस पेज को ठीक कर देता है, ऐसे ही डॉक्टर आपके पेज जिस्म को ठीक कर देता है। आपने इनका नाम इलम रख लिया, ये इलम नहीं है। उस बच्चे को ये बताना कि तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे जिम्मे क्या है, ये तीन सवाल उसको समझाएं। और उसके लिए आपको अपना खुद मुताला करना पड़ेगा। देता वो है अपने बच्चे को जिसके पास कुछ होता है। आपके पास जायदाद होती आप दे जाते हैं, आपके पास दीन नहीं होता आप नहीं दे के जाते, सीधी बात है। देगा वो जिसके पल्ले कुछ है, जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं वो क्या देगा। जो बाप और माँ खुद दीन से बेशऊर हैं, वो अपने बच्चे को शऊर ज़िंदगी, शऊर हयात, ये शऊर दीन कहाँ से देंगे, मुझे ये बताइए, आप फरमाइए। नामुमकिनात में से है कि आप अपने बच्चे को शऊर ज़िंदगी से आशना करें कि आप खुद आशना ना हो उस चीज़ से। तो जो खुद अंधा है वो दूसरे को राह क्या दिखाएगा, मुझे ये बताइए। ये है बच्चे के लिए शऊर। और उसके लिए मैंने अभी आपको एक किताब जन्नत का रास्ता जो बताई है, वो कुछ मुश्किल नहीं है, वो बच्चे बूढ़े जवान सब के लिए वो मैंने बुक बताई कि आप इससे आगाज़ करें, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें, उसके अच्छे अखलाक से तबीर करें। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने गुस्से को समेटें, ना कि आप गालियाँ देते आपके मुँह से झाग निकलनी शुरू हो जाए, ठीक है। बाकी रह गया आपके वालदैन, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं तू समझ, वो अकायद के बारे में वालदैन से कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ज़रूरतन आपके वालदैन किसी ऐसी जगह आपको माल लगाने का कह रहे हैं कि जहाँ सोसाइटी का प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि आप उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए, हमारा अमूमी तौर पर बेटियों की शादियों पर हम इसराफ कर जाते हैं, वो सोसाइटी ने इस कदर रखा है कि आपने बेटियाँ उसी सोसाइटी में ब्याहीं जिसके नतीजे में आपको सोसाइटी का वो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक लोगों का आपस में मिलना नहीं है, नेक लोग एक दूसरे को, नेक लोग भी बड़े पक्के हैं, इनको भी दीन की बुनियाद पर रिश्ता ऐसे नहीं कि लड़का तो वेला है, नेक होण नु मैं चटना है, कुड़ी को कह देगा लड़की इन्नी भी पा पड़दा नहीं सानू चाहिए, जिन्हें पता ही कुछ ना। मुंडा कहता मेरे ना कदम ला के चलने वाली हो, फिर कदम दो अगे चलती है,
किसी होर यार ना फोन से गल कर लेंदी है, खाँदी पीती है, न्याणे किसी होर दे जमदी है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कहती कदम की कड़ी गल है चौधरी तेनों इदा का मिला के दसूंगी कदम भी तू तू तेन लगू मेना मिल रहा अगले लगू ना मिल रहा दोवों का कदम। औरत के अंदर बड़ी चलाकी होती है, इसको एक अलग ही रब ने मकर अता फरमाया, ये चारों तरफ रख जाती है मकर करके, चारों तरफ रख जाती है। और मर्द तो बेवकूफ है परले दर्जे का, ये तो ऐसे ही खाम का कहता है कि मैं बड़ी सिन्नी है, वो आप ही इन्हें इदा का महसूस करवाती कि मैं सिन्नी हुई है, इसको फील होता है कि ये तो बस नमाज पढ़ती है ऐसी है वैसी, उसका वो उसकी आजी जितनी भी होती ना वो फील ये होता है इस मर्द को कि शायद मेरे इस पे बहुत रोब है और ये मान नहीं जाती, उसको पता है बेवकूफ इसको कैसे बनाना है, एक मानो तो सौ मनवाओ, वो खुद सारे जानती करतो, समझ गए। तो ये बच्चों को भी वालदैन से उतना ही इमोशनल होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, समझ गए जी। कोई मजीद सवाल रह गया तो बताएं, कोई चीज नहीं रह गई है, कोई पूछना है शाह साहब पूछे। सर बस लोग चीज अपनी बेचते हैं तो कलमा अगर दो नंबर को चीज बेच रहे होते हैं तो उसकी दवाई देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बिल्कुल एक नंबर है और इस तरह है, इसमें उसको आगे जाके कई अफसोस हो या इस बात का हो कि मैंने अपनी जिंदगी में गलत काम किया है, क्योंकि इंसान की जब उम्र करीब हो जाती है 50-60 साल के करीब तो जाहिर है उसने वापस जाना होता है अल्लाह ताला के पास, तो उसको फिर वो चीज़ें पुरानी अगर याद आती हैं तो वो बंदे नहीं मिलते हैं उसको, तो कैसे अपने इस गुनाह को 90 बादी इन्नी करीब, मेरे बंदों को खबर कर दीजिए कि जब ये तौबा करने के लिए मेरा रास्ता ढूंढे तो इन्नी करीब मुझे अपने करीब ही पाएंगे। जब आदमी देखे कि चारों तरफ आग लग गई और मैंने खुद लगा ली है, जब आप तोहीने अदालत कर बैठे ना तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि तोहीने अदालत करने के बाद अपने आप को अदालत के रहम व करम पर छोड़ दिया जाए और अदालत के रहम की दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी जाए कि मुझसे ये गलत हो गया, मैं ऑनरेबल जज से दरख्वास्त करता हूँ कि जज्बात में कह बैठा हूँ, ताकत में बकवास कर बैठा हूँ, सर प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दिया जाए, सर प्लीज़ वंस अगेन प्लीज सर एंड मोर प्लीज सर, आपके पास सिवाय झुक जाने के कोई चारा नहीं है। आग जब चारों तरफ लग जाएगी, आपने कलमे का गलत इस्तेमाल किया, नबी ने कहा कसमें खाकर उठाने वाले का सौदा तो बिक जाएगा पर याद रखे बरकत उठा ली जाएगी, वो बिका हुआ सौदा और उसके पैसे उसके लिए अजदहा और सांप बन जाएंगे, जाके अपनी औलाद को खिलाएगा ना, औलाद नाग बन के इसके गिर्द घेरा डाल लेगी, अपनी बीवी को खिलाएगा कैंसर हो जाएगा, रोक वाह यातियां करने पर जाएगी, बेटियां उसकी हरामजादियां हो जाएंगी, जिंदगी में अपने सामने जना करते हुए उन सबको देखेगा और फिर बिस्तर पे फालिज के साथ पड़ा होगा और बोल नहीं पाएगा कि सामने जना हो रहा है मैं रोक नहीं पा रहा। इतनी अजियत जहनी तौर पर अल्लाह देते हैं कि आप सब दुनिया में थप्पड़ मार लेना या बीमारी आ जाना अजियत नहीं है, अजियत है अपने अंदर के कर्म के साथ जीना। जो आदमी अपने अंदर के कर्म के साथ जी रहा है ना, बस वो जी नहीं रहा, वो हर लम्हे कुंद छुरी के साथ अपने जिबा हो रहा है हर लम्हे, कि जिबा भी होता है और जिबा भी नहीं हो रहा। आरी के साथ जिबा किया जा सकता है, बस समझ लें कि आरी के साथ जिबा हो रहा है, छुरी के साथ नहीं हो रहा। अंदर के कर्म बड़ी खतरनाक चीज है, अंदर के दुख बड़ी खतरनाक चीज है, ये रातों को आपका सुकून छीन लेती हैं और आपके सुकूनों को इस्तराब में बदल देती हैं। आप अपने बिस्तर पर नहीं कांटों की सेज पर सो रहे होते हैं, एसी चल रहा होता है, मास्टर का मोल्टी फोम होता है, खुशबुएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रात को जो आप अल्टी पलटी कर रहे होते हैं ना जिस्म को, करवटें पे करवटें, करवटें पे करवटें, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, रातों को बैठे हैं इस तरह करके बैठे हैं, बीवियां पूछती क्या कर बैठे हैं आप, अब्बा जी को नहीं, रात को डिप्रेशन की गोलियां, क्या कुछ खाते फिरते हैं और फिर इंसान को चैन नहीं आता। अंदर का कर्ब बहुत खतरनाक चीज है, मैंने इसको झीला हुआ अंदर के कर्ब को, ये हूक जो अंदर से उठती है ना, ये अल्लाह 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 माफ फरमा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी रातों की नींद छीन ली गई, पहली चीज उसकी नींद ही छीन ली, जिसको सुकून की नींद आ रही है ना वो किसी गम में मुब्तला नहीं है, जो सही सो रहा है,
समझ गया ना, सुकून की नींद। एक है नशे वाली नींद, जो बेखबर और गफलत वाले लोग हैं वो सुकून की नींद नहीं होती, समझ गए। एक पुरसकून नींद जो होती है वो सकीनत होती है अल्लाह की तरफ से, अनजल सकीना, हमने उनके ऊपर सकीनत नाजिल कर दी, ऐन फरिश्तों ने घेर लिया। अल्लाह ने कहा हर फरिश्तों जाओ फौरी तौर पर, गमों को कह दो कि हट जाएं, कर्बों को कहो हट जाएं, बीमार और मेरे बंदे के गिर्द तुम सब पहरा देना शुरू कर दो कि रात को कोई शैतान जिन शैतान इंसान कोई चीज इसके गिर्द ना, इसको सोने दो। अंजल सकीना बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। कई लोगों को मुसीबत पड़ने पर गुनूदगी तारी हो जाती, बड़ी नेमत है। एक आलम दीन मुझे मिले थे, कहते कहते मुझे गुनूदगी, मैंने शरीफ बहुत बड़ी चीज है, कलमा ना पढ़ा करें, कलमा बहुत बहुत बड़ी चीज है। मेरे दादाजी को आदत थी कलमा पढ़ने की, मैंने कहा हट जाए, जारी नहीं होना आखिरी वक्त में, आप कलमे का भी मिस कर ले, मिस यूज कर लेंगे बाद में, कलमा आपके काम नहीं आना, आप तो कलमे को काम में ले आए बात करके, कलमा आपके काम नहीं आना। कलमे नाल में नाती तोती, तो कलमे नाल भी आई हूं है, कलमा ही तो आपको पाक साफ करता है, और कलमा ही ने तो आपको पकड़ के लेके जाना है वहां पर। इसलिए कलमा को बड़े बुलंद चीज है, अल्लाह ताला आपको कलमे की जो सही मानी लेने की तौफीक अता फरमाए। और कोई बात, चलिए आपने सांप की बात की, तो कहते हैं कि अनसेटल्ड जगह पे जब सांप देखते हैं तो मारने से पहले उसको तीन दफा कह देना चाहिए कि अगर आपको और चीज हो तो चली जाओ, इसकी शरीयत से यह है या कोई वैसी दुनियावी बात है। ये ना फर्क भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के सांपों के बारे में बात कही, ठीक है ना। ऐसा मुजर सांप आपको नजर आ जाए तो अगर वो निकल रहा है ना, आपके सामने खड़ा नहीं हुआ, आपके बेडरूम में नहीं है या किसी जगह पे नहीं है, अव्वल उसकी पूरी कोशिश करें उसको निकालने की, ठीक है। वो अगर नहीं निकलता उसको मार दें, सांप को मारने का सवाब है, फवैसे अल्लाह ने के नबी ने कहा, चील को मारने का, बच्चा उठा के ले जाती है, चील बड़ी जालिम है, और छिपकली मारनी, बिच्छू मारना या ऐसा जहरीला जानवर जो नुकसान दे, ये तो सवाब के काम है। और इनके बारे में कहा कि पहली जरब में उड़ा दो, बंदे का इतना जोर का हो कि वो निकल ना पाए और उसको मार दिया जाए, ये बड़े स्वाब है, इसके बारे में बताया गया। वो सेकुलर तो ऐसे मजाक उड़ाते हैं, मैं कहा जिस दिन तेरे सप चढ़ गए तेनों को लग जू पता, ठीक है ना, अल्लाह करे तेनों दो सप लड़न कट्ठे ही, ठीक है। एक आदमी मौलाना साहब को कहता, ओ नहीं जिन नहीं है, मौलाना साहब कहते बिल्कुल इंशाल्लाह जिन चढ़ जाओ तेरे ते हूँ जल्दी ना तेन पता लग जाना, ठीक है ना। वो ये बात बंदे इनकार करते हैं। मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गज़वा अहज़ाब थी, खंदक थी, सारी दुनिया मदीने की सरहदों पे खड़ी थी। एक नौजवान ने सरकार से कहा मुझे इजाज़त दे, मेरी नई शादी हुई, मैं बीवी से घर मिलाऊं। जब वो गया घर बीवी को मिलने के लिए, आगे उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी, उसने लिया नेज़ा तान, गैरत आई उसको, गामदी होता कहता आपको किस बात पर गुस्सा आ गया है, इससे सवाल पूछने से उसको क्यों गुस्सा आ गया, दरवाजे पर खड़ी है, हुजूर का माशरा था, नेक लोग थे, दरवाजे पे खड़ी बीवियां खड़ी हो ही जाती हैं, आप भी आप देखें कि जरूरत के तहत खड़ी, आप पूछते बेगम खैर है बाहर खड़ी हो, इतना भी लिबरल नहीं थे, है जी, जरा सवाल अंदर से निकल आता है। तो वो कहता मैं मार दे, बीवी ने कहा रुक जा जल्दी ना कर, उसको पता था कि अरब बुरा समझते कि औरत घर के बाहर खड़ी क्या कर रही है। तो उसने कहा अंदर इशारा कमरे की तरफ, देखा तो एक काला स्याह नाग जो है ना बिस्तर पर बैठा हुआ, वो साहबी थे, उन्होंने नौजवान थे जज्बात में, उन्होंने देखा आओ न ताओ, उसने मारा नेजा उसको प्रो दिया, सांप तड़प तड़प के मर गया। बस इधर वो तड़पने लग गया, उधर साहबी तड़पने लग गया। वो कहते हैं साहबा कराम जो वहां मौजूद थे ना, वो कहते हैं वो तड़पना शुरू हो गया, फिर पता नहीं चला भी सांप पहले मर गया या वो साहबी पहले मर गया। इस पर नबी अलैहिस्सलाम को खबर हुई, आपने फरमाया उसको पता कर लेना चाहिए था, तुम मदीने के अंदर जब कोई सांप पाओ तो उसे तीन दफा को यहां से चला जाए, फिर भी तुम्हें वो नजर आ जाए तो वो सांप है, क्योंकि अक्सर जिन्नात सांप की शक्ल में मदीने आते हैं और मेरे से दीन सीख के यहां शक्ल बदल के वो फिरते रहते हैं। इसका मतलब जिन्नात अपनी शक्ल बदलने पर कादिर है। ये जो हिंदू कहते हैं ना कि इच्छाधारी नाग है, कि ये अपने ख्वाहिश के मुताबिक अपना भेष बदल लेता है, ये वही है। अल्लाह ने जिन्नात की कई किस्में बनाई, कुछ जिन्नात अपनी शक्ल बदल लेते हैं, कुछ जिन्नात जो हैं वो नहीं बदल पाते, कुछ जिन्नात हैं वो एक मखसूस हद तक चढ़ते हैं,
कुछ ऐसे हैं जो पहले आसमान तक चढ़ जाते हैं, फिर उधर उनको वो शयातीन होते हैं बड़े ताकतवर, उनको गोले मारे जाते हैं। कुछ शयातीन ऐसे हैं कि वो समुद्रों में गोते लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जो बच्चा पैदा हो तो उसको चुटकियाँ काटते हैं, रात को सोने नहीं देते। आप कहते हैं जी सारी रात नहीं लड़का सोया, जी ऐसे हुआ, पता नहीं, अल्लाह जाने इन्हें देख लो कि। अब क्या बताऊँ, इस दुनिया के अंदर इतना जिन्नात है, इतना ये जितने भी हैं यूरोप के अंदर मरीज जो लोग हैं वो, उनको जिस्मानी मर्ज नहीं है, उनको सारे मर्ज जिन्नात गंदे शयातीन की वजह से वो लगे, क्योंकि वो गुनाहों में मुबतला रहते हैं हर वक्त। गुनाह जो है वो जिन्नात की जगह बेहतरीन, वो जनाएँ जना करी जाते हैं हर वक्त, गुनाहें गुनाह, शराबें पी जाते हैं, गंदे रहते हैं हर वक्त, परफ्यूम नहाते कब हैं वो। वो फिर होता यह है कि जिन्नात ही जिन्नात यूरोप के अंदर कब्जा किया है, इसलिए वहाँ आप देखते हैं हॉरर मूवियाँ बनती हैं। आप देखते हैं कि अगर वो इन चीज़ों के कायल ना हो तो हॉरर मूवियाँ क्यों बनाएं, हैं जी। उनके बड़े बड़े किलों के अंदर जो है कले जो हैं वो सारे के सारे वो वहाँ पर कब्जे होते हैं कि यहाँ जिन्नात है, यहाँ पर खामोशी ये चीज़ है, जहाँ इबादत होती रहती हैं, अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, तो वहाँ पर नहीं कोई इतना ज़्यादा कब्जा होता। आपके घर के अंदर वाशरूम जिन्नात से भरा भरा रहता है, पर आप अटैच बाथरूम बनाने से हटते ही नहीं, जिसके नतीजे में बीवियां आपकी हैज वाले कपड़े भी वहीं पे रखती हैं, बच्चों के नैपियां खोल के भी वहीं पे रखती हैं। पिछली दफ़ा कोई औरत आई थी नीचे, वो पिछली दफ़ा उसने डब्बे के अंदर ही नैपियां, फिर एक खातून ने कहा बाजी आप क्या कर रही हैं, ये मरकज़ है, दीन की जगह है, आपको ये तो औरतों के शऊर की हालत है, दिमाग ही खराब हो गए इन औरतों को कि मस्जिदों के तकद्दस क्या है, अपने कमरे में क्यों नहीं रखती नैपियां, हैं जी। इनको हैज वाले कपड़े जिन्नात उन पर फिरते हैं, और जिसके नतीजे में आपकी बीवियों को मसाइल हैं। आप कहते हैं मेरी बीवी को ये मसला क्यों, ये मसला क्यों, बीवी को लग मसला, लड़ती है झगड़ती जिन्नात आ जाते हैं आपके कमरे में, रोजाना लड़ाई होती है वहां पर। आप लोग अब क्या हम आपको बताएं, आपने माननी नहीं ये बात, घर का बाहर कोई टॉयलेट बनाए, एमरजेंसी टॉयलेट है जो अपनी कभी घर के अंदर की कमरे की यूज करनी पड़ गई तो इसको घर के बाहर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने घर में पूरा टॉयलेट बना लिया, टॉयलेट इतनी प्यारी बनाते हैं, उस पर पैसा मार्बल पत्थर, जैसे इधर ही बैठ के खाना पीना है डाइनिंग रूम की तरह, तो उसको बनाते खा लिया करो, मर जा करो उसे जाके दफा हो जा करो, इन्हें 2 लाख रुपए लाया होते, ठीक है ना, खाने का कमरा इतने पैसे लगाए हुए हैं वहां पर, हाँ जी। अब वहां पर जिन्नात है, मैं आपको क्या बताऊं, आपके 90% काम जिन्नात की वजह से खराब है। बच्चों को आप रात को बाहर ले जाते हैं, जिन्नात है। हजूर ने कह दिया कि मगरब के वक्त बच्चों को समेट लो, लेकिन आप फिरते ही मगरब के वक्त लेके क्या करें। हवाई पुराने जमाने में मगरब के वक्त दादियां कहती हैं हवाई चीजें चल पई हैं, मेरी दादी के चलो अंदर आओ। अब आपको अपने बड़ों की बातें भूल गई, बड़ों की बातें उसको याद रहती जो बड़ों के पास बैठा हो। लोग कहते हैं काशिफ साहब जो है ना लग गई नींद, बयान मौलाना साहब से नहीं सुना, तू मौलाना को बहंदा कि नक्श जेड़ा तू सुनना आया, बड़ी मुश्किल 40 मिनट का खुतबा होता, इधर देखिए घड़ी देखी जानी, घड़ी देखी जानी, मुझे पता है बेचैन रूहें आती थी जुमा पढ़ने के लिए, अल्लाह वो ले गया यहाँ से सारी बेचैन रूहें, उनको बंद करके शैतान चले ले गए। मैं कहा जेड़ा अभी बेचैन रूह होंगी है या शैतान ले जा, तेरा ही साथी है, ठीक है ना। सुभान अल्लाह व अलहम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा सुभान अल्लाह व अलहम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। एक साथी के पिछली दफ़ा मस्जिद के जूतों वाली जगह पे 500 रुपये गिर गए, वो हमने लिए संभाल। तो जिस किसी भाई के वो 500 रुपये हैं, वो भाई अपना 500 रुपया जो है वो ले ले, हमने उसे किसी खाते में नहीं डाला, नहीं तो मौलवी के पास आए हुए हैं 500 थोड़ी तो भोलवा लब्भी चीज़ खुदा दी ते धेले दी ना पा दी, समझ गए ना। मैंने से कहा अल्लाह जाने असलम ये कौन था जिससे अपनी ज़रूरतों के लिए 500 रखा हुआ, उसने सोचा होगा है जी बेटी को ईद के बाद ये चीज़ लेकर दूंगा, ये कहते उस्ताद जी एक तो तुहाडा दिल बहुत नरम है, ठीक है ना। तो बात यह है कि ये पैसे जब किसी के गिरते हैं ना, या किसी, मेरा बड़ा दिल दुखता है, पता नहीं मैं बहुत टची हूँ इस मसले में, किसी मुसलमान भाई को सड़क पे उसकी बाइक पंक्चर हो जाए, गाड़ी पंक्चर हो जाए, खवातीन साथ बैठी हैं,
उसमें कहाँ पे उस बेचारे का, फिर देखते हैं दूर तक कोई नहीं है, हैं जी। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ से। मैं खैर की दुआएं मांगता जाता हूँ हर, या अल्लाह सड़क पे खैर कर दे, खैर कर दे मेरे मालिक। सब अपने घरों को जाएं, हाथ साथ देख के दिल ख़राब हो जाता है कि हाय हाय मरते वक्त उसकी जान कैसे निकली होगी। अभी थोड़े दिन पहले ऊपर से गाड़ी गए, उन्होंने बताया कि हम जा रहे थे तो वो इस तरह करके मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ और 6-7 गाड़ियाँ तबाह हो गई। ईद के रोज़ ही डॉक्टर आफत ज़ुबैर साहब बता रहे, और दिखाई उसके अंदर मर गए। सोचा होगा अम्मी के यहाँ खाना खाएंगे, हैं जी, बच्चे मिलेंगे, भाई आ जाएगा वहाँ पर, वो फ़ोन पर भी बातें करते जाए, उधर से उनकी उम्मीदें, इधर से इनकी, हैं, खाक में मिल जाएंगे, हैं, और तुमको याद ना रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाना, ठीक है, तो खैर मांगा करें। किसी का पैसा गिर जाए ना तो अल्लाह से, या अल्लाह ये ले जाए, पता नहीं कितनी। आप तो पैसे वैसे ही मार लेते हैं, वैसे ही मार लेते हैं मंडियों में, वैसे ही खा जाओ इधर पैसा, यदि ऐसी विरासतें खा गए, हैं जी, मंडियों में पैसे खा गए, ओहदे जो किया, प्लाट खा गए, प्लाजे खा गए, दुकानें मकान खेतों के खेत पी गए, क्या करेंगे हशर के दिन पर। ये पैसे बहुत कीमती चीज़ है, पता नहीं कैसे उसने अपनी हसरतों और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, रुपये रुपये के अंदर किसी की तमन्नाएं छुपी हुई होती हैं, ठीक है। 500 नहीं होता वो, 500 तमन्नाओं का खून हो गया होता है वो, 500 नहीं होता, समझेंगे ना, वो किसी के अरमानों का खून हो गया, वो किसी की ख्वाहिशों का खून हो गया। अल्लाह जाने उसके अंदर उसके बच्चों की और उसकी बीवी की कितनी मुस्कुराहटें उन 500 के पीछे छुपी थी कि जब वो उनके लिए कोई चीज़ लेके जाता। अल्लाह जाने उसकी सफ़ेद पोशी को ढांपने के लिए वो 500 कितना कीमती था कि मेहमान आता उस पर लगाता। अल्लाह जाने उसने उस 500 रुपये की कितनी दफ़ा दाल मंगवा के खानी थी जिसके ज़रिए से उसके घर का रोटी चलती। ये चीज़ें सोचने की हैं हमारी सोसाइटी में। ये तो गिरे की बात है, जो छीन ही लेते हैं और कब्जे हम कर लेते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, सोचा करें जब किसी का पैसा आप मारते हैं वो बेचारा किस कदर दुखी होता होगा, समझ गए। ये दुख कुछ ऐसे हैं जो मैंने खुद भी झीले हुए हैं, ये अंदर से बातें निकलती हैं। मैं कहता हूँ कि ये सफाक कैसे हो गया, ठीक है ना। तो लोग अपनी जो है ना ख्वाहिशों के साथ अपनी मौजें करते हैं, खाते पीते हैं, और दूसरों के साथ जो जुल्म करते हैं। मेरे साथ एक लड़का था, बड़ा नेक था, मेरी उसकी शराकतदारी हो गई। नमाज वो कोई नहीं छोड़ता था, बड़ी लंबी छपी उससे दाढ़ी रखी हुई थी, हम तो उसकी नमाजें देखकर ही उस पर एतबार कर लिए। तो वो मुझे, मैंने उसको पैसे दिए, बाद में मुझे किसी मसले में ज़रूरत पड़ गई, वो इंतहाई अहम ज़रूरत थी, मैं उसे कहता रहा, उससे वो अंदर से घर से निकले। एक दिन बैल दी, मैं तो आपको पता मच बोल्ड, मैं तो दरवाज़ा खोला सीधा ही अंदर, मैं क्या बुढ़िया सारियाँ पर्दा कर लो आराम ना, वो कितने हराम खोरा तू बाहर निकल, बुढ़िया पीछे लुकया है, वो कांप गया। उसको मेरे से एटीट्यूड का, उसे देखी थी मेरी तस्वीर, ठीक है ना, उसके जेल की। मैं तो निकाल लिया भाई, खूब ठुकाई की, मैंने कहा कि असल चीज़ ये है कि तुम्हें तरसी है, बाकी अब तुमने लिए ना मार लो, अब तुम्हें सारी ज़िंदगी अगर चैन आ जाए, सब बीवी चली गई, बच्चा कोई नहीं हुआ, घर बिक गया, दुकान बिक गई, उजड़ गया। ये थोड़े दिन पहले मैंने देखा चिंची पे जा रहा है, गाड़ियाँ दो दो रखी हुई थी, सब उजड़ गया। तो मुझे आया दो दफ़ा यहाँ पे दोस्तों को लेके माफ़ी मांगने के लिए, मैंने कहा नहीं माफ़ी नहीं, हशर के दिन मुलाकात होगी, माफ़ी नहीं, तुम्हें छोड़ दिया जाए, कैसे छोड़ दिया जाए, तुमने जो उस वक्त मेरी मजबूरी के साथ किया, माफ़ी मैं नहीं देता किसी को भी इतनी जल्दी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करता किसी को जल्दी, मेरी मजबूरी है, आप समझ लें, ठीक है ना। मैं तो उस बंदे के किरदार को दो, उसने मेरी आंख भर के भी देखा होता है, मैं उसको भी याद रखता हूँ, कहता कुछ नहीं उसको, याद मैं पूरा रखता हूँ कि ये जो बिगड़ा है ना ये क्या, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता, आईने पर जब खराश आ जाती है वो वापस ही जाती है। हमारे दिल आईना है, साफ सुथरे नवे नकोर दिल हैं जो हम किसी को अपनी दोस्ती के भरोसे पर दे देते हैं, और फिर बाद में वो उसके ऊपर खराशें डाल दें। ये तो ऐसे ही जैसे किसी नाज़नीन के चेहरे पर किसी के जालिम ने खंजर के साथ उसको खुरचने की कोशिश की हो। ये चीज़ें हैं, आप देखें कि आप दुख जब किसी को दे रहे होते हैं वो माफ़ी नहीं होती। मैं आपको बात करूँ, तलाफियाँ तो हो जाती हैं, माफ़ियाँ नहीं होती। माफ़ियाँ दुख देने से पहले सोच लें, अगर आपकी ज़िंदगी में भी दुख है ना तो आप सोच लें कि आपके वो दुख वापस नहीं हुए, उसको राज़ी कर लें जिसके साथ आपने जुल्म किया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो छोड़ने वाली बात होती है वो मैं छोड़ भी देता हूँ। दूसरा पहलू ये भी है
लेकिन जिस बंदे ने मुझे रगेदने की कोशिश की होती उसको नहीं मैं छोड़ता। माफ़ी का ये भी पहलू, बड़े बड़े ख़ानदान में झगड़े हुए, मैंने कहा ख़त्म, अल्लाह के लिए मैंने माफ़ कर दिया, आप मुझे माफ़ कर दें, हो गया ख़त्म। इसमें भी मैं बड़ा तेज़ हूँ, लेकिन जिस मसले के अंदर उसने दिली ऐसा प्लान करके बना के किया हो ना, किसको रगड़ना है मैंने, नहीं 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 तुम्हें नहीं, तुम्हें अब अल्लाह से रगड़े दिलवाने डेली। एक बंदा यहाँ के बारे में काम कर, मैंने कहा तुम्हें तो मैंने छोड़ना ही नहीं ना, तुमने मेरे साथ ज्यादती की, घर उजड़ गया सब कुछ, मैंने कहा मुझे कहता आया दो दफ़ा माफ़ी, मैं कहा नहीं, रोज़ाना बिला नागा बद्दुआ हो रही तुम्हारे लिए, जब तुम्हारा जिक्र छिड़ जाता है किसी मसले में मुझे तकलीफ़ होती है, मैं कहता तुमने बड़ी ज्यादती की, क्योंकि उस वक्त तुम फिरौन बने हुए थे, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुमने रहम नहीं किया। और क्या है हदीस में, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, उस पर फिर अल्लाह रहम करता। अल्लाह कहता उस वक्त तुमने रोका, फिर बंदा कहता है या अल्लाह मैंने माफ़ किया, अल्लाह कहता मैंने नहीं फिर किया, मैंने तो इसको रगड़ना है इस बंदे को। तो दिल तोड़ने से पहले, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करने से पहले माफ़ी मांग लें। अगर कर ली हैं ये सारी ज्यादतियाँ, खूब अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगा करें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद अल्लाह के हाथ से कोई माफ़ी का परवाना मिल जाए। इसलिए ये क़यामत के दिन ज़्यादा गुनाहों का नहीं होना, यही जो दिल तोड़े हुए हैं दूसरों को नुकसान पहुँचाए यही आ जाने। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ो अन्नी, अल्लाहुम्मा अशफ़ कुल्ला मरीज, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा अक़्ज़ दैना कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फ़ासिमिन उमूरिल मुस्लिमीन, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صفحة سيدي فرمالے۔